दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गए हम लोग कनेक्शन में, लेकिन आज ये मानिए कि जब भी कोई चैलेंज आता है ना तो कुछ शानदार होने वाला होता है। तो आज जो ट्रेनिंग होने वाली है एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में इतनी बड़ी ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई है, क्योंकि आज हमारे बीच में इंडोफिल की बहुत जानी मानी हस्ती डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं। सरद सर आ रहे हैं जो नेशनल ट्रेनिंग हेड हैं और अमित सर हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी आज देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यूट्यूब का लिंक वही है जो यूट्यूब का पहले था, यूट्यूब पे जाएंगे मिल जाएगा आपको। और जो हमारा इस यूट्यूब में के अलावा हमारा जो ये लाइव चेंज हुआ है, खाली हमारा जूम का आईडी चेंज हुआ है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और हम पहले बुलाने जा रहे हैं हमारे राजस्थान के हेड अमित सर को। जो अमित सर आके स्टार्टिंग करते हैं तो हम तालियों से स्वागत चाहेंगे अमित सर का। अमित सर वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि स्टार्ट नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों के पास में लिंक नहीं गया, इसके लिए सॉरी। सबसे पहले आगे से हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और लिंक आप लोगों को के पास पहुंच गया है जो लोग देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने अपने ग्रुप में वो लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, प्लस जो लोग नहीं देख पाएंगे वो YouTube पे भी देख सकते हैं और ये YouTube पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगा जो हमारी ट्रेनिंग हेड है, पूरे मोदी केयर को वो देख रहे हैं और मोदी केयर के जो हर प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिटेलिंग रखते हैं, हर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग का मॉड्यूल उन्होंने बनाया है। और एक मोदी केयर की एक बहुत अच्छी साइट है जिसपे आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसका जो मोदी केयर की वेबसाइट का एड्रेस है training.modicare.com। यानी कि आपको किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, समझना है, उसको डिटेलिंग उसके ऊपर करनी है तो हमारी वेबसाइट है training.modicare.com, आप उस पर जा सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे मोदी केयर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी काफी डिटेल आपको मोदी केयर के मिल जाएगी। एग्रीकल्चर हमारे देश में अगर आप देखेंगे, जो हमारा देश है भारत, वो हमेशा जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए और एग्री हमारे यहाँ पे मेन फोकस है। और एग्री के ऊपर अगर आप देखें, ये सीजन चल रहा है और इस सीजन में बहुत सारी फसलें आती है और उन फसलों के लिए हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अगर आप बात करें तो मेनली है एक्टिविटी, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव जाइम और हमारे पास में जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है एक्टिव मैक्स। यानी कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे पास में जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस महीने ऑफर भी चल रहे हैं, इस महीने बहुत बेहतरीन ऑफर हम लोगों ने चला रखे हैं एग्री के प्रोडक्ट्स के रेंज पे स्पेशली। और ये जो ऑफर है ये अक्टूबर तक आपके लिए काम करेंगे, यानी कि आपके पास में 5 महीने हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर, यहाँ तक आपके पास में अगर आप देखें बहुत बेहतरीन महीने हैं 5, और इनमें आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और आपके पास में चांस है, आपके पास में चांस है मोबाइल जीतने का, आपके पास में चांस है रेफ्रिजरेटर या आप ले सकते हैं कलर टीवी, उसके बाद में आपके पास में चांस है, चांस क्या आप 100% कंफर्म ले सकते हैं, आप बाइक भी यहां से ले सकते हैं और सबसे बड़ा जो हमारे यहां पे प्राइस बम्पर यहां पर जो इनाम है वो है आपका कार। और सेल ज्यादा नहीं है, सेल एक नंबर पे अगर आप चाहें तो बहुत अपने हिसाब से सेल देख सकते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, इवन आप देखेंगे 5-6 लाख में और 10 लाख में, उधर आप देखेंगे 50 लाख रुपए में ये गिफ्ट आपके हो सकते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे बहुत बेहतरीन इनकम भी आपकी हो सकती है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ में। तो आज हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आज हमारे साथ में गेस्ट भी आए हैं जो स्पीकर है, एक्सपर्ट है। और आज अगर आप बात करें, एक्सपर्ट का जमाना है, जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो अब हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगर हमें हार्ट से रिलेटेड है तो हम कार्डियोलॉजी के पास में जाते, अगर हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आज स्पेशलिस्ट का जमाना है और आज हमारे बीच में एक स्पेशल एक एक्सपर्ट पर्सन आए हैं जो हमें एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं उनसे पहले हम लोग सुने मिस्टर शरद चौधरी को। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग शरद जी को अनम्यूट करेंगे और उनको सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर शरद चौधरी, नेशनल हेड मोदी के। All right, so good morning, good morning. Thank you, Amit. Thank you, Jagat sir, for organizing this webinar on Active Max. Jitne bhi hamare consultants hame YouTube pe sun rahe hain, especially because jo main platform hai is webinar ka, aaj YouTube rakha gaya hai because we didn't want
एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सो मुझे मालूम है कि ऑलरेडी हजारों में लोग YouTube पे जुड़ चुके हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट को जानने के लिए जो कि कहीं ना कहीं हमारे मोदी के बिजनेस को तो आगे बढ़ाएगा लेकिन हमारे को एक अवसर देगा जिससे कि हम अपने किसानों की मदद कर सकते हैं. हम सब ने एक नारा सुना है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान. कितने लोगों ने नारा सुना है? आई एम श्योर आप सबने नारा सुना हुआ है, जय जवान जय किसान. जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, और किसान हमारा पेट भरते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो जवानों और किसानों के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता. तो एक बार मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, हम दिल से जोरदार तालियों के साथ अपने जवानों और अपने किसानों का अभिनंदन करें. मैं चाहूंगा कि आप हमारे जवानों जो अपनी जान को खतरे में डाल के हमें जीवन देते हैं, और हमारे किसानों जो कि अपना खून पसीना मेहनत इतनी करते हैं खेतों में और फिर हमें भोजन मिलता है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं. हम ये भी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है. 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम तकरीबन 30-35 करोड़ लोग थे, लेकिन आज हम तकरीबन 135 करोड़ हो चुके हैं. पेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो खेती योग्य भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है. तो आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि कैसे वो कम जमीन से ज्यादा पैदावार निकालें, कैसे वो इतनी उपजाऊ इतना प्रोडक्टिविटी लेकर आए, इतनी यील्ड लेकर आए जिससे कि वो हमारा पेट भर सके, पूरे भारतवर्ष का पेट भर सके. और कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर्स भी बहुत हैं, खेती बाड़ी के बहुत चैलेंजेस आते हैं, पौधे की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है. सर सर आवाज आ रही है? अमित सर आपको आवाज आ रही है? इसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ सर मुझे आवाज आ रही है लेकिन शरद सर की आवाज नहीं आ रही. हाँ म्यूट हो गई थी सर अभी. नहीं सिग्नल प्रॉब्लम है सर ना, वहां के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है सर. अच्छा हाँ जी. या सॉरी थोड़ा बीच में नेटवर्क चला गया था, अभी मेरी आवाज आ रही है? आज बिल्कुल आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है सर. तो एक्टिव मैक्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए हैं. नाउ जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, मैं आपको बता दूं यू आर वेरी 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 लकी बिकॉज आज से अब से एक घंटे के बाद यू आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर. तो इससे पहले कि मैं माइक हैंडओवर करूं, स्टेज हैंडओवर करूं हमारे आज के एक्सपर्ट को, मैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. जो आज हमारे बीच में एक्सपर्ट आए हैं उनका नाम है डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी. डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी इस समय हेड कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया इंडो लाइफ सुपर स्पेशलिटीज को. इंडो लाइफ सुपर स्पेशलिटी एक डिवीजन है इंडो फिल इंडस्ट्रीज की. आप जानते हैं कि के मोदी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारी कंपनीज हैं, जैसे कि मोदी केयर, कलर बार, 24/7, GPI, और एक बहुत ही बड़ी एग्रीकल्चर केमिकल्स कंपनी है जिसका नाम है इंडोफिल. सो इंडोफिल की एक डिवीजन है इंडो लाइफ. डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी इंडो लाइफ के हेड हैं. हमारा एक्टिव प्रोडक्ट इंडो लाइफ से ही हम बनवाते हैं और इनफैक्ट इस प्रोडक्ट की पूरी रिसर्च के पीछे डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी का 2 दशकों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी इंडो लाइफ से पहले कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, जैसे BEC फर्टिलाइजर, ड्यूपॉन्ट, बायोस्टैट, जाइटेक्स. और अगर हम बात करें तो डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से. साथ ही साथ इन्होंने PhD यानी कि डॉक्टरेट भी किया है एग्रीकल्चर में. और इसके अलावा
डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी ने एमबीए किया है विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए. सो डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी प्लांट न्यूट्रिशन और बायो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पूरे भारतवर्ष में और इंटरनेशनल अरीना में भी जाने जाते हैं. डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी विजिटिंग फैकल्टी हैं केके मोदी यूनिवर्सिटी में, कॉर्पोरेट स्पीकर हैं कई बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मिटकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, और इन्होंने कई सारे इनके प्रोग्राम्स शायद आपने देखे भी होंगे. कृषि दर्शन पे भी डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी रेगुलर आते हैं डीडी वन नेशनल चैनल पे, और इन्होंने दो दशकों से ज्यादा प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर ये काम कर रहे हैं. और इनका मानना है कि हर प्लांट में एक जेनेटिक इनबिल्ट पोटेंशियल होता है बहुत अच्छी यील्ड देने के लिए. और सो आज जिनको हम सुनने वाले हैं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मुझे मालूम है कि आपको जो आज जानकारी मिलेगी उससे आप किसानों की मदद कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं. सो विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मैं चाहूंगा कि एक बार हम जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी का. वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, एंड ओवर टू डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी. प्लीज अनम्यूट डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी. यस सर. Yes, sir. Over to you. We are eagerly waiting to learn from you, sir. हम सब लोग सर को सुनने के लिए बेताब हैं और आज बहुत कुछ सीखना चाहते हैं सर से एग्रीकल्चर के लिए. या डॉक्टर त्रिपाठी, कैन यू हियर मी? आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है सर? यहां तो आवाज आ रही है आपकी. समय एक बार कॉल करता हूं, शायद कुछ नेट का चैलेंज रहे वहां पर. जस्ट अ सेकेंड. आगे 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 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए सर, एक बार म्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूं आपको. सर अब अनम्यूट कीजिए सर. आप सर एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए उनको. यस सर, अभी आवाज नहीं आ रही सर. सर हेडफोन को या तो निकाल दीजिए, उससे आवाज आ जाएगी साफ साफ. कभी कभी हेडफोन से प्रॉब्लम हो जाती है सर. अभी नहीं आ रही सर. एक बार सर फिर से मैं करता हूं दोबारा. एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए एक बार सर. ये सर बिना माइक के मैं. हाँ बिना माइक के सर करिए कॉल करता हूँ. बिना माइक के सजेस्ट कर. अभी नहीं है. आप ना बिना माइक के सर यूज करिए जरा. हेडफोन जो आपने तार लगाई ना लैपटॉप में, बेशक उसके बिना बोल दीजिए. उसके बिना ट्राई करते हैं. सो आई एम सेइंग कि जो आपने माइक्रोफोन में लगाया होगा ना माइक का वायर, वो निकाल दीजिए. बिना उसके ट्राई करिए एक बार. नहीं हो रहा उससे? अच्छा. ओके. सो कैन यू ज्वाइन फ्रॉम मोबाइल देन? प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा सर. Okay.
सो अभी जगत सर वो अभी शुरू कर रहे हैं. इन द मीन टाइम मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए. मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ सर. जगत सर कैन यू हियर मी? यस सर, दे रहा हूँ सर. हाँ हाँ सर, अलाउ कर दिया सर. एनोटेशन ऑफ कर दीजिएगा. एक सेकंड, मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ. अमित सर आवाज आ रही है? या डॉक्टर अमित, कैन यू सी दिस पीपीटी? यस सर, ये दिख रही पीपीटी, फर्स्ट क्लास आ रही है. हाँ, वो डॉक्टर अमित ना अभी एक बार मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं. हाँ अमित सर, आपके दो लिंक मिल गए, आवाज आ रही है अमित सर, अमित त्रिपाठी जी? हाँ मेरे मोबाइल, हाँ मेरे मोबाइल से हमारे ख्याल है आपको अभी मोबाइल में आ रही है आवाज. बिल्कुल आवाज आ रही, फर्स्ट क्लास आ रही आवाज. ब्रिलियंट सर, आप मोबाइल से बोलिए, मैं यहाँ पे पीपीटी चेंज करता रहूंगा. फैंटास्टिक, ऑलराइट, सो लेट्स गेट रेडी नाउ, ऑल द टेक्निकल चैलेंजेस आर ओवर एंड ओवर टू डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी. वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम. थैंक यू सो मच. So, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब लोगों को डॉक्टर अमित त्रिपाठी का बहुत हार्दिक नमस्कार, आपका अभिनंदन. आपने अपना समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए. मैं आपके साथ एक घंटे का आपको वक्त लूंगा और इस एक घंटे के दरमियान आपके साथ विषय पर बात करना चाहूंगा और आई एम क्वाइट होपफुल कि दैट यू विल लाइक दैट. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स मोदी केयर फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी. तो मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बात करना चाहूंगा, कुछ बुनियादी चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, साझा करना चाह रहा हूँ. उसके दो उद्देश्य है. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप अपने लोगों के साथ जाकर के बात करें, आपके लोग, आपके आपके सेकंड लाइन लोग हों, थर्ड लाइन लोग हों, फार्मर हों, ट्रेडर्स हों, ऑफिशियल्स हों, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, एक जो कॉन्टेक्स्ट बनाना है, हम क्या कहने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मुद्दा कहाँ से है, वो बहुत जरूरी है. और इस तरीके के जिस सेगमेंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. मेरे दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि सुरक्षित एवं संवर्धित खाद्य श्रृंखला एक अटूट आवश्यकता है. हम ये बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत में दो तीन मुख्य विषय थे, उनमें से एक था खाद्य, फूड. फूड इज द बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. और अगर खाद्यान्न मनुष्य का बुनियादी आवश्यकता है और सिविलाइजेशन की शुरुआत का आधार है, तो फूड का मतलब है क्रॉप, फूड का मतलब है फसल. और अगर जब हम फसल की बात करते हैं तो हमको यह समझना है, जैसा शरद जी ने बताया, कि आज इतना ज्यादा फोकस पूरे विश्व पर, पूरे हिंदुस्तान पर, हर एक प्रांत पर, जिले पर, तहसील पर क्यों किया जा रहा है. आज से 50 साल पहले तो इतना फोकस नहीं होता था, 20 साल पहले तो इतना फोकस नहीं होता था, आज इतना फोकस की जरूरत क्यों पड़ रही है. आदरणीय दोस्तों, आप ये समझिए कि हम ये बात करते हैं कि आज की डेट पर हर एक व्यक्ति आउट ऑफ 9 अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है. मैं कुछ डाटा आपको बताता हूं जो कि डाटा वर्ल्ड बैंक के डाटा अथवा किसी ना किसी आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के डाटा हैं. आउट ऑफ 9, हर 9 में से एक व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है. दूसरा डाटा ये कहता है कि हर दिन, एवरीडे, पूरे वर्ल्ड में 1,80,000
नए माउथ नए व्यक्ति जुड़ते हैं आपकी खाद्यान्न श्रृंखला में भोजन की जरूरत के लिए। 1,80,000 व्यक्ति प्रतिदिन जुड़ते हैं और शिखर पाटी अगर हम उत्पादक देखें कि हम अमित सर हाँ या सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है और हमें लग रहा है कि सर लैपटॉप का भी वीडियो चालू हो गया आपका है और उसका उससे भी आवाज शायद हो रही है तो उसकी आवाज को मिनिमाइज कर दीजिए सर। लैपटॉप की आवाज को उसको सर मिनिमाइज कर दीजिए क्योंकि ब्रेक हो रहा सर आवाज लग रहा ब्रेक हो रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही। लैपटॉप से आप डिस्कनेक्ट कर लो शायद एक ही इंटरनेट पे होंगे। हाँ यस सर दोनों से ब्रेक हो रही है। लैपटॉप से आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। डिस्कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से करेक्ट। अभी ठीक है अभी अभी भी ब्रेक हो रहा है सर अभी ब्रेक हो रहा है अभी ब्रेक हो रहा अभी आवाज आ रही ब्रेक हो रही है सर अभी भी आवाज आ रही ब्रेक हो रही है। हाँ आपकी आवाज हालांकि दोनों ये तो बंद है आपके अभी आवाज ब्रेक हो रही है सर बार बार आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार आप ट्राई करेंगे सर क्या उससे लैपटॉप से ट्राई करेंगे एक बार और मैं वापस करता हूँ ट्राई कोई दिक्कत अभी आवाज साफ आ रही है अभी आपने बोला बहुत साफ आई आवाज। एक मिनट बेटा वो जरा वाईफाई को देखो बढ़िया हुआ वाले दिन जब सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो थोड़ा चैलेंजेस आते हैं। दैट हैपेंस। और सर सर आज पहली बार ऐसा हुआ कि कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम हो गई नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था वो टाइमली स्टार्ट होता था हमेशा। दैट इज ओके सर हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं आप सब लीडर्स हैं आई नो यू आर पेशेंट एंड यू वांट टू लर्न। सर यस सर एक्चुअली में सर ये टॉपिक इतना शानदार है ना सर इसके लिए काफी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कैसा कोई टॉपिक इस पे एग्रीकल्चर पे अच्छी कुछ नॉलेज मिले और आज ये बहुत अच्छा चांस मिला सबको तो काफी लोग इसको देखना और सीखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 1,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुके हैं। हाँ सर हाँ बिल्कुल हो गए होंगे सर वहां पर। सर आपको आवाज साफ आ रही है ना? मुझे साफ आ रही है सर। हाँ लेकिन सर की आवाज ब्रेक हो रही थी कि नहीं आपको भी? हाँ हो रही थी हाँ ब्रेक हो रही थी ना हाँ तो प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि फिर आवाज समझ में नहीं आएगी सबको। आई थिंक वो अभी इंटरनेट अपना चेंज कर रहे हैं। अनदर 2 मिनट्स। सो इनफैक्ट जब तक डॉक्टर अमित त्रिपाठी से जुड़ते हैं और एक्टिव मैक्स की बात करते हैं मैं आपको थोड़ा सा सबको सुनने वालों को हमारा जो एक और प्रोडक्ट आता है एक्टिव 80 उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यस सर। सो एक्टिव 80 एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम जानते हैं कि किसान जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो उनको कई सारे चैलेंजेस फेस होते हैं जैसे कि पानी का कम होना और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो किसानों को फेस होता है वो ये है कि जब वो खेती बाड़ी करते हैं तो कीड़ा लग जाता है फसल पे। एक सेकंड से ये डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी कॉल करते हैं। अभी अभी आ रही आवाज हमारी कुछ? यस सर आवाज आ रही है आपकी। फैंटास्टिक ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ अभी अभी मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर एब्सोल्युटली सर नाउ वी आर ऑल इयर्स टू यू। परफेक्टली राइट। थैंक यू सरद जी थैंक यू। ये कोई फिजिकल चैलेंजेस अपने को कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। वी आर दैट काइंड ऑफ यू नो सेगमेंट इन द सेक्शन ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन। वेरी गुड सर वेरी गुड। सो नाउ ग्रेट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम ये देखें अगर कि 1950 पे एक किसान कितने पब्लिक को कितने लोगों को उदर पोषण का व्यवस्था कर पाता था और आज 2020 पे क्या सिचुएशन है। तो 1950 पर एक किसान 16 व्यक्तियों का उदर पोषण करता था और आज 2020 पे 200 लोगों को उदर पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मेरे दोस्तों हम जब ये बात को जानते हैं कि एग्रीकल्चर में एक तरफ हमारी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट बढ़ती जा रही है हम ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व का इंडिया के अंदर में 2% एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पर है पूरे विश्व की। अब आप जरा ये सोचिएगा कि अगर एग्रीकल्चर लैंड 2% है पॉपुलेशन 17% है
दूसरी बात मैंने ये बताया कि आज की डेट पर जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज में एक किसान 200 लोगों का उदर पोषण करने की जिम्मेदारी है। जब मैं उदर पोषण की बात करता हूँ इसका अर्थ केवल ये है कि उतनी उत्पादकता उसकी जमीन की उसको मेंटेन करना है, एक किसान को इतना उपज तैयार करना है कि 200 लोगों को भोजन दे सके। आदरणीय दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि आज 2020 से 2050 पे यानी आने वाले 30 साल के अंदर में हमारी पॉपुलेशन कहां से कहां जाने वाली है। आज 130 135 करोड़ की पॉपुलेशन जो डाटा कहते हैं उसके हिसाब से 2050 पे 150 करोड़ पहुंचेगी। दूसरी तरफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 830 करोड़ जा रही है। लेकिन ऐसे टाइम पर हम अगर देखें कि हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमें इन 20 वर्षों पे जो 2020 से 2050 का टाइम है 20 वर्षों पे करीब 40% अधिक ऊर्जा, 30% अधिक पानी और 50% अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन संभव ये तब है जैसा थोड़ी देर पहले हमारे शरद जी ये बात कह रहे थे कि हर एक फसल के अंदर एक आनुवांशिक क्षमता छिपी हुई होती है, उसकी एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है और वो जो आनुवांशिक क्षमता है उसको अगर अधिकतम तक ले जाने पे हम कुछ मदद कर पाए, अगर हम कोई चीज ऐसा दे पाए, पौधे को हम कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे पाए, क्रॉप को हम इम्पावर कर पाए, हम लोग ह्यूमन इम्पावरमेंट की बात करते हैं वैसे हम ये बात करते हैं क्रॉप इम्पावरमेंट की, तो अगर हम फसल को इतना इम्पावर कर पाए तो ये बात तय है कि वो हर एक फसल की जो छिपी हुई आनुवांशिक क्षमता है उसके अधिकतम सीमा तक उत्पादकता को हम ले जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक तरफ ये चैलेंजेस, दूसरी तरफ अगर हम आकर के देखें तो हम ये पाते हैं कि प्रकृति के चैलेंज भी कमजोर नहीं हैं। कभी ड्रॉट आ गया तो कभी फ्लड आ गया तो कभी बहुत ज्यादा सीवियर ठंड हो गई तो कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कुछ नहीं हुआ तो टिड्डियों का अटैक आ गया, तो तरह तरह के जो ये इस तरीके के इन्वायरमेंटल अटैक हो रहे हैं उन इन्वायरमेंटल अटैक से भी किसान को अपनी फसल को बचाना है और बचा करके फसल को इस तरीके से पालना पोषना है कि फसल अगेन अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता तक जा सके। और अगर वो अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता तक फसल जा पाएगी, किसान उसको सुनिश्चित कर पाएंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमारे 2050 पर हमारी रिक्वायरमेंट एक नियर फ्यूचर की टारगेट है उसको हम कोप अप कर पाएंगे, उसको हम पूरा फर्निश कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, इस सेगमेंट पे ये जो बात हम कह रहे हैं ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, किसान को ये विश्वास और ये आशा दिलाते हैं कि आपके साथ हमारे जैसा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मोदी केयर जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी केयर के लाखों लाखों कंसल्टेंट्स आपकी प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। ये एक मिशन हमारे मोदी केयर के जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सबने ले रखा है और उसी की बदौलत किसान की समृद्धि को वो अपनी समृद्धि का अंग मानते हैं, उसका पूरक मानते हैं। और जब हम इस भावना के साथ आदरणीय कृषक बंधुओं जो हमारे अन्नदाता उनके पास हम जाते हैं तो हमें 100% एक कस्टमर नहीं दिखाई देता लेकिन एक ऐसा साथी दिखाई देता है जिसकी समस्याओं का समाधान की बकेट लेकर के हम जाते हैं। हम वहां पर एक्टिव मैक्स बेचने नहीं जाते, हम वहां पर किसान को बुद्धू बनाने नहीं जाते, लेकिन हम एक ऐसा उत्पाद लेकर जाते हैं जो किसान की बहुत सारी जानी और अनजानी, समझी और ना समझी परेशानियों का समाधान देता है। और वो समाधान देने का जो बीड़ा उठाया है हमारे एक्टिव मैक्स को के प्रोडक्ट और इसको साथ में लेकर जाने वाले हमारे आदरणीय कंसल्टेंट बंधु भाई एवं बहनों, आप लोगों ने, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय बंधुओं, मैं आज आपको ये बताऊं कि जिस उत्पाद के बारे में अब हम आपके बाद बात करेंगे वो उत्पाद की 2-3 विशेषताएं मैं आपके दिमाग पर पहले थोड़ा सेट कर दूं, इसलिए कि जब आप अपने फार्मर के पास जाएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास जाएंगे, तो हर जगह शायद मैं नहीं हूं लेकिन आपको वो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई पेस्टिसाइड बेचने नहीं जा रहे हैं, पेस्टिसाइड देने नहीं जा रहे हैं कि किसान के फसल पर यहाँ पर
एक बीमारी लगी है और आज हम एक दवाई डाले और दो दिन बाद बीमारी ठीक हो गई। आप एक भविष्य का कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट देने की बात करते हैं तो हम ये बात मानते हैं कि आज जिस तरीके की सिचुएशन पूरे विश्व में फैली हुई है, दैट इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोरोना। अब अगर कोरोना की सिचुएशन पर पूरे विश्व पर कोई मेडिसिन नहीं है, लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आप अपने आप अपनी मेडिसिन हो, आप अपने आप अपनी मेडिसिन का अर्थ यह है कि आप कितना अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रख पा रहे हो। अपने इम्यून सिस्टम को आप जितना मजबूत रखोगे उतना आप कुशल रह पाओगे, सक्षम रह पाओगे, स्वस्थ रह पाओगे। मेरे दोस्तों, सेम विद फसल। आज आपको मैं अभी आधे पौन घंटे आपके साथ जो लूंगा, आप ये मान करके चलिए कि मैं एक हाथ में मनुष्य और दूसरे हाथ में हमारी फसल, मनुष्य और पौधा दोनों के एक साथ आपके बीच में लेकर के चलूंगा और आपको ये विजुलाइज करवाने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य के दर्द को तो हम सब लोग एहसास कर पाते हैं लेकिन फसल के दर्द को समझना कितना आसान और कितना कठिन है। ये बात आज आप हमारे इसके बात के बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार, बहुत बड़ा विज्ञान फसल के अंदर है और हमें एक्साइट होना चाहिए कि हमें समझना है। आप ये समझिए कि अगर हम और शरद जी दो लोग हों और दोनों लोग अभी बाहर जाएं और झमझम बारिश होने लगे और पहला बारिश हो वायु सीजन का और दोनों के ऊपर बराबर दोनों लोग गीले हो जाएं, हम और शरद जी, उसके बाद हम अंदर आते हैं और हम भी दिल्ली में होते हैं, शरद जी भी दिल्ली में होते हैं, आप ये पाएंगे दोस्तों, ये कभी भी अनुमान लगा करके भी आप देख सकते हैं कि शरद जी चाय का प्याला लेकर के बैठे होंगे अंदर आने के बाद और डॉक्टर अमित त्रिपाठी क्रोसिन पैरासीटामॉल टेबलेट ढूंढ रहे होंगे क्योंकि छींक आ रही होगी, बुखार आने लगेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। आप ये दो सेकंड के लिए सोचिए कि अगर हम और शरद जी दोनों लोग बाहर गए, दोनों बराबर भीगे, तो दोनों को बीमार पड़ना था। अगर वो वायुमंडल के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वो हमारी बीमारी के कारण थे तो क्या ऐसा तो है नहीं कि वो केवल चुन चुन करके डॉक्टर अमित त्रिपाठी के ऊपर पड़े और शरद जी को छोड़ दिया कि शरद जी के ऊपर मत पड़ो, ऐसा तो नहीं था। क्या चीज है जिसने दोनों में अंतर किया? वो केवल और केवल हमारा अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम है। और ये प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है दोस्तों, जब मैं इम्यून सिस्टम की बात करता हूं, जब मैं प्रतिरोधक क्षमता की बात करता हूं, तो आप ये मान लीजिए कि सेम चीज पौधों के साथ। एक पौधा कमजोर होता है, छोटा सा भी वायुमंडल में टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, ह्यूमिडिटी का वेरिएशन हुआ, तो पौधे के अंदर में बीमारी आ गई। दूसरे पौधे में थोड़ा सा वेरिएशन कमजोर हुआ या वेरिएशन वैसे, लेकिन पौधा थोड़ा ज्यादा अंदर से मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सेम चीज होती है और ये चीज पौधे के अंदर पर मजबूत हो सके, पौधा किसी भी परिस्थिति में ताकतवर बन करके खड़ा रह सके, ये कोई चीज अगर हम उसको दे सकते हैं, आज हम देने जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम बताएंगे और उस प्रश्न का समाधान आपको हम आज देंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो कि फिर बाद में आपको कनेक्ट मिलेगा इसमें, कि हम ये कहते हैं कि जमीन के अंदर एक जीवन है, लेकिन जमीन के अंदर का जीवन हमको दिखाई नहीं देता नंगी आंखों से, तो हम कई बार यकीन नहीं कर पाते कि नहीं जमीन के अंदर भी जीवन है। लेकिन एज अ वैज्ञानिक मैं ये मानता हूं कि अगर एक चम्मच के बराबर हम मिट्टी उठाते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसके अंदर में इतने माइक्रोब्स होते हैं, इतने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जितने पूरे धरती पर मनुष्य नहीं होते। ये विज्ञान का प्रूफ किया हुआ रिकॉर्ड है और उस मिट्टी के एक छोटे से अंश में कितने जीवन हैं, उन जीवन को अगर हम देखें कि वहां पर क्या है और उनका रोल क्या है, तो हम वहां पर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर के बताएंगे कि अगर किसी भी चीज को हम जमीन के अंदर गड़ा देते हैं, मुर्दा चीज को, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, और उसके बाद अगर हम 2-3 साल के बाद में उसको उखाड़ के देखें तो क्या हमको वो चीज वैसी मिलती है? कभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उस चीज का डिकम्पोजिशन करते हैं, उसका वो पूरी तरह से अपघटन कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। वो रोल जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का है अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। आज हमारा ख्याल है बहुत सारे कुछ पंजाब के भी दोस्त होंगे हमारे इस मीटिंग में, कुछ दिन पहले की बात है, पंजाब पे मैं एक मीटिंग में गया और एक और बड़ा ग्रुप था, हमने लोगों को यही पूछा कि भाई आज मैं आपके लिए क्या दे सकता हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, बड़े बड़े 90 साल के किसान भाइयों ने एक ही बात कही कि सर अगर कुछ मुझे दे सकते हैं तो मेरी पूरी की पूरी धरती की जो पुरानी हमारी जीवंतता थी वो हमें लौटा दीजिए, जिस तरीके की सिचुएशन में हम खेती करते थे आज हमें वो वापस कर दीजिए। कितना बड़ा दर्द था। और ये आज क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन में अंधी दौड़ कर हमारे किसान केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर,
उत्पादकता की अंधी दौड़ पे लोग दौड़ते गए, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि कोई ना कोई एक लिमिटेशन फैक्टर होगा जहां पर जाकर हमें रुकना पड़ेगा, और हमने वो ध्यान ना दिया, उसकी बदौलत आज हमारी ये कंडीशन खड़ी हो गई। आज जिस उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे वो उत्पाद आपके इस समस्या का भी समाधान देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फिर आपको मैं प्रोडक्ट के साथ ले चलता हूं, कि एक एक व्यक्ति के दो बच्चे हैं और एक दोनों बच्चों को भगवान के आशीर्वाद से बराबर भोजन पानी ड्राई फ्रूट न्यूट्रिशन सब कुछ बराबर मिल रहा है, एक तो तगड़ा होने लगता है और एक बच्चा एकदम दुबला पतला सा रहता है। घर के व्यक्ति यानी उनके पेरेंट्स बड़ा परेशान होते हैं, बोले इसको तो कुछ बीमारी हो गई, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दो बार तीन बार उनको ट्रीटमेंट करता है कि आपको ये बीमारी होगी, ये डायग्नोसिस कुछ नहीं पाता। फिर मनुष्य को वो बाद में देखता है कि नहीं यार इसके अंदर में कुछ तो चयापचयी क्रियाओं की गड़बड़ियां हैं, तो वो लास्ट में एक एंजाइम लिखता है और कहता है कि खाने के बाद दो चम्मच दोपहर दो चम्मच रात। अर्थात बताने का मतलब ये है कि अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस चयापचयी क्रियाएं अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप कितना भी भोजन खाइए वो सब का सब बेकार जाएगा। और सेम चीज आपके पौधे के जीवन पर है, पूरा का पूरा पौधे के जीवन पर अवतरित होता है जो मनुष्य के जीवन का होता है। छोटा सा पार्ट आपको मैं बताऊं कि हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हम मुंह में लेते हैं, रोटी का पूरी दांत उसके लुगदी बना डालते हैं और सलाइवा आकर के उसमें मिक्स होकर के पूरा पेस्ट बनता है। उसके बाद यहाँ पर उसका सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और यहाँ से उसका पाचन चालू होता है। 32 फीट की आहार नाल में पूरा वो रोटी का टुकड़ा चलता है और इस दरमियान पर पेंक्रियाज लीवर सब अपने अपने जूस फेंकते हैं और पूरा पाचन क्रिया होते होते लास्ट पर उसका जो भी रस है मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो रोटी से निकल कर हमारे ब्लड में मिल जाता है, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड में मिल जाता है और रोटी विष्ठा बन के बाहर निकलती है। आप अंदाज लगाइए कि अगर मनुष्य के पास सलाइवा नहीं होता, सलाइवा में हमारे लार पर वो एंजाइम नहीं होते, तो क्या रोटी मुंह के अंदर से बाहर जाती? वो अंदर ही जाती और अंदर जाकर के बाहर निकलती, लेकिन शायद वो कार्बोहाइड्रेट बाहर नहीं निकलता। हमारे मन के संतुष्टि के लिए लगता कि मैं तो बहुत रोटी खाया, बहुत बादाम खाया, लेकिन किसी काम का नहीं है। मेरे दोस्तों आप ये कल्पना करिए पौधे के साथ कि अगर आपके पौधे में चाहे आप पचाई क्रियाएं सुस्त हो जाएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो हो जाए, तो आप चाहे जितना भोजन दीजिए पौधे को कोई काम का नहीं है, क्योंकि पौधा उसको लेकर के पचा नहीं पा रहा है। कितना बड़ा विज्ञान है इसके साथ, और इसको ठीक करने के लिए कोई अगर एक चीज है तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसके अंदर में इसका भी समाधान है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि मनुष्य का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये हम मान के चलते हैं कि 70 साल है, 65 साल है, अलग अलग चीजें लोग मानते हैं, पर अगर 70 साल भी आप मानिए तो 70 साल के जीवन पर अगर मनुष्य 70 दिन या 7 दिन या 17 दिन भी बीमार पड़ जाए तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर पौधा जिसका जीवन ही 90 दिन का है, 3 महीने का जीवन है, अगर 3 महीने के जीवन में पौधा 90 दिन पे 9 दिन बीमार पड़ गया तो अपने जीवन काल का 9 दिन पौधे ने बर्बाद कर दिया। लेकिन आप ये भी समझिए कि आप तो बीमार पड़ते हैं तो आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सिग्नल आता है कि टेम्परेचर आ गया, हम देख पाते हैं, लेकिन पौधे के साथ क्या होता है? पौधा तो अपना सिग्नल देता है, लेकिन उसका सिग्नल पहचानने के लिए उसके डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है। हम समझ पाते हैं कि पौधे को अगर कोई तनाव आया है, कोई टेंशन आया है, चाहे वो टेंशन उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो, मॉइस्चर स्ट्रेस की नमी की कमी से उत्पन्न तनाव की वजह से हो, या खाद्यान्न प्रॉपर न मिल पाने के तनाव से हो, पहले वो पत्तियां गिराता है, रूप बदलता है, फूल झड़ाता है, फूल पे फल नहीं लगते, फल गिरते हैं, और हम ये मान के बैठते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई बीमारी लग गई मेरे दोस्त। लेकिन ये बीमारी नहीं, ये पौधे को अल्प पोषण है, पौधे को हमने अंदर से ताकतवर नहीं बनाया कि अगर कभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पौधा कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन उससे बाहर निकल सके। इस चीज का जब पौधा आपको बता नहीं पाए और वो परेशानी व्यक्त कर रहा हो, परेशानी फील कर रहा हो, और अगर उसका समाधान पौधे को आप बिना बताए दे दें, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा विज्ञान और क्या हो सकता है? इससे बड़ी उत्पादकता का समाधान और क्या हो सकता था? कुछ नहीं। लेकिन एक ही चीज है कि वो है आपका एक उत्पाद जिसमें आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। अब मैं इसके बाद आपके उत्पाद में चलता हूं। ये 3-4 एग्जाम्पल देने से आपको एक फ्रेम सेट होना चाहिए कि ये एक्टिव मैक्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये क्या है।
और ये करता क्या है, कैसे करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब इसके अंदर में मिल जाएंगे आपको। तो एक जो पहली स्लाइड अभी शरद जी ने लगाई है उस पर दिख रहा है, एक कैप्शन लिखा है कि यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन कभी भी आखिरी छोर पर नहीं पहुंचता। हम यह मानते हैं कि हमने पौधे को शुरू में यूरिया डीएपी पोटास सब कुछ दे दिया और पौधे में एक बढ़वार आ गई, वनस्पतिक वृद्धि हो गई, उसका उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी आ गया, फूल आ गया, फली आ गया, दैट्स ऑल। अब उसके बाद पौधे को इग्नोर कर देंगे तो भी उसके यील्ड में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं मानते। लेकिन ये बात सदा गलत है। सच्ची बात तो यह है कि जिस दिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस दिन तक पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं का असर रहता है, क्रिटिकल स्टेजेस का इंपैक्ट होता है। और अगर हमने पौधे को लास्ट स्टेज तक हार्वेस्टिंग डे तक आपने केयर किया तो आप अपने उत्पादकता को बढ़ाने पे कोई ना कोई एक फैक्टर को सकारात्मक ऐड कर रहे हैं, उसमें अंदर लगा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। सर जी आगे लेंगे अगली स्लाइड। अब अपन बात करते हैं कि बेसिकली हम उत्पादन की बात करते हैं। हमने आपको यह दिखा दिया कि 1950 में एक किसान 16 लोगों का भोजन की जिम्मेदारी थी, आज 2020 में एक किसान के पास 200 लोगों के भोजन की जिम्मेदारी है, जबकि पॉपुलेशन का आउटबर्स्टिंग इसी से प्रूफ हो रहा है और दूसरी तरफ जमीन सिंक्रोनाइज होकर के घटती जा रही है। तो चैलेंजेस क्या हैं, हमको पोटेंशियल यील्ड का कैसे बाहर निकालना है, और अगर मैं हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ ले जाना चाहूं तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं? तो उसके प्रमुख चार कारक होते हैं। पहला कारक होता है न्यूट्रिएंट की डिमांड। इसका तात्पर्य यह है कि पौधे की हर अवस्था में अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा पर डिमांड होती है। और ये अगेन मैं कहता हूं कि बड़ा मजा आएगा अगर आप इसको मनुष्य के साथ तुलना करके देखेंगे। एक हाथ में मनुष्य रखिए, एक हाथ में पौधा रखिए, पूरा उपमा है, जीवन पूरा एक समान चलता है दोनों का। आप पाएंगे कि मनुष्य में जब बच्चा होता है, जिस समय पर ग्रोइंग स्टेज है, उस टाइम पर उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। जब वो डिलीवरी फेज पे आता है, यानी परफॉर्मेंस डिलीवर करने की, यानी उसकी युवा अवस्था आती है, उस टाइम पर उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में आता है तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। एक सामान्य लेडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, और जब प्रेगनेंसी स्टेज में होती है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है। अर्थात पौधे के भी अलग अलग क्रांतिक अवस्थाओं पे न्यूट्रिशन की डिमांड अलग अलग होती है। और अगर ये चीज हमको पहले से ही पता हो कि जब पौधा वानस्पतिक अवस्था में है तब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और जब प्रोडक्टिव स्टेज में है जहां पर 200 से 500 ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है परसेंटेज की, उसको हम कैटर कर पाए तो हम यील्ड के मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। करेक्ट, ये चीज आपको कभी भूल भी जाए तो आप यह ध्यान रखिए कि आपका जिस उत्पाद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो उत्पाद एक्टिव मैक्स आपके इस कारक में मददगार साबित होगा। दूसरा फैक्टर, एक ये बात करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। तो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी का मतलब ये है कि हम ये कई बार पढ़ते हैं, आईसीएआर के डाटा ये कहते हैं, इंडियन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, कि जितना भी खाद पानी हम पौधे को देते हैं, पर्टिकुलरली केमिकल फर्टिलाइजर, उसका 60% वेस्ट जाता है, पौधा केवल 40% ही ले पाता है। क्यों ले पाता है 40%? और जो 60% वेस्ट जाता है वो कहां चला जाता है? ऐसा तो है नहीं कि वो जमीन पर जाकर के हमने 100 किलो यूरिया डाला और 40 किलो यूरिया पौधा ले लेगा, 60 किलो यूरिया बैलेंस रिजर्वायर में पड़ा रहेगा जमीन पे, जब हम अगली फसल लगाएंगे तो आ जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि जो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जमीन पर पड़ा है, बेचारा किसान उससे वाकिफ नहीं हो पाता, और जैसे नमी मिलेगी तो वो नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा, घुलेगा, और उसके बदौलत या तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस इस तरीके की चीजें, या तो वो जमीन के पीएच मान को अम्लीय बनाएगी अथवा क्षारीय बनाएगी, और उसके साथ में ये होगा कि जमीन आपकी बंजरता की ओर बढ़ने लगती है, बिकॉज पीएच मान 6-7 बढ़िया ऑप्टिमम होता है। क्यों ऐसा की जाती है बात? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जमीन के अंदर उपलब्ध और अनुपलब्ध पोषक तत्वों का संतुलन नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई चीज आपको ऐसी दे दी जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दी जाए कि आपने अगर एक्टिव मैक्स इस्तेमाल किया तो वो जमीन के अंदर के जो अनअवेलेबल फार्म पर न्यूट्रिएंट हैं, अथवा आपने कोई न्यूट्रिएंट स्प्रे भी किया, फार्मर ने ऊपर से फोलियर स्प्रे किया, उसका भी अनअवेलेबल फार्म पर अगर वो चला गया तो उसको उपलब्ध फार्म पर कैसे कन्वर्ट करें जो पौधा ग्रहण कर पाए, क्योंकि उद्देश्य यह है कि पौधा ग्रहण कर पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए जरूरत हो। तो अगर हमने ऐसा कुछ कर पाए
तो आप ये मान करके चलिए कि आपने 60% जो न्यूट्रिएंट बेकार जा रहे थे उसका भी अधिकतम हिस्सा पौधे को लौटा करके आपने दे दिया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोल आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे करता है। तीसरा फैक्टर, जमीन की इनकैपेबिलिटी। हम जमीन को कई बार एक भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं, हम धरती माता कहते हैं, और हमें यह कहने में कि नहीं सोयल इनकैपेबिलिटी होती है, बड़ा खुद को बड़ा शर्म महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि आज कई, जैसे मैंने उदाहरण दिया पंजाब का, ऐसे और भी कई स्टेट है, मैं जाता हूं लोगों के साथ बात करता हूं, लोग ये कहते हैं कि जमीन ने अपने ऐसे हाथ खड़े कर दिए हैं। एक समय था कि अगर एक बार आपने जमीन पे 10 किलो खाद डाला तो आपकी उपज 1 क्विंटल बढ़ी, अगले दिन आपने 15 क्विंटल डाला तो 2 क्विंटल बढ़ी, 20 क्विंटल डाला तो 30 क्विंटल बढ़ी, ऐसी उपज बढ़ती थी। और आज आप 100 किलो भी खाद डाल दें तो आपकी जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ रही। इसका अर्थ यह है कि जमीन ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि अब मुझसे नहीं होता, अब मेरे बस पे नहीं है। इतनी दर्दनाक स्थिति जमीन की है, जिस चीज को आज हर किसान महसूस कर रहा, और इसी कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोयल हेल्थ कार्ड का एक मिशन चलाया है। और आपका जो उत्पाद जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इस उत्पाद के अंदर ये क्षमता है कि आपके जमीन की इनकैपेबिलिटी को भी कैपेबल फार्म पे कन्वर्ट करने में सक्षम बनाएगा और आपके फसल की उत्पादकता को अधिकतम सीमा तक ले जाएगा। फिर एक पॉइंट आता है एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अजैविक तनाव। दो तरीके के तनाव होते हैं, एक तनाव वो होता है जिसको हम कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस, जो हमें दिखाई देता है कि बैक्टीरिया लग गया, वायरस लग गया, फंगस लग गया, पौधा बीमार हो गया, ये इंसेक्ट लग गया, ये कीड़े ने फसल को काट दिया, इसको हम कहते हैं जैविक तनाव। और एक होता है अजैविक तनाव, जो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन पौधा महसूस करता है, और वो जो टेंशन है पौधे को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों मैं एक डाटा आपको बता दूं कि जो बायोटिक स्ट्रेस है, जो जैविक तनाव है, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़ा, इसके द्वारा फसल का नुकसान होता है 40% तक, लेकिन जो ये अजैविक तनाव है इससे नुकसान होता है 60% तक, उत्पादन में लॉस होता है, यील्ड लॉस 60%। लेकिन ये चीज हमको दिखाई नहीं देती तो हमको लगता है नहीं यार ये तो पता नहीं चलता, इसको हम कैसे महसूस करें। पर मेरे दोस्तों आपके माध्यम से हमारे सारे किसान भाइयों को जब ये पता चलेगा कि जो 60% उनका उत्पादन लॉस हो रहा था वो हो रहा था अजैविक तनावों की वजह से, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक समाधान आपको दे दिया, उसका नाम है एक्टिव मैक्स, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई परेशानी इसके बाद बचेगी। शरद जी आगे लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अपन बात करते हैं जिस उत्पाद के बारे में जो इतना वैज्ञानिक उत्पाद है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स का हम बात कहते हैं उसके नाम से जैसा स्पष्ट है कि एक्टिव और मैक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि वो मैक्सिमाइज करता है। क्या मैक्सिमाइज करता है? एक्टिविटीज मैक्सिमाइज करता है। किसकी एक्टिविटीज मैक्सिमाइज करता है? दोनों की। दोनों की मतलब फसल की भी, क्योंकि जब आप फसल पर डालेंगे तो फसल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फसल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जितनी भी पौधे के अंदर वानस्पतिक क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाओं को मैक्सिमाइज करने की क्षमता रखता है एक उत्पाद जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। द प्रोडक्ट विच मैक्सिमाइजेस द एक्टिविटीज विद इन द प्लांट सिस्टम, दैट इज एक्टिव मैक्स। और जब एक्टिव मैक्स पौधे के अंदर के पूरे जीवन को सुचारू बनाएगा, पौधे के अंदर की पूरी तकनीकी को, पूरी पद्धतियों को ठीक करेगा, तो किसान स्वस्थ होगा। और जब किसान स्वस्थ होगा मेरे दोस्त, तो हम और आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा सबका सफलता उसकी सफलता पर ही निर्भर करता है। पर ये एक्टिव मैक्स करेगा कैसे? अब प्रश्न ये आता है, शरद जी ने एक अच्छी स्लाइड लगा के रखे हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंदर में एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, और टेक्नोलॉजी का बड़ा सुंदर सा नाम है जो हमारे इंडोफिल के ही साइंटिस्ट ने दिया है, डॉक्टर केहरी है उन्होंने दिया है, और उसका नाम है आईनेट टेक्नोलॉजी। सुंदर फुल फॉर्म है आईनेट का, मतलब है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। आप सब लोग बड़े विद्वान लोग हैं, आप ये जानते हैं कि ABLE, एबल एक अंग्रेजी में शब्द होता है, एबल का मतलब होता है काबिल, और इनेबल मतलब होता है काबिल होना, और इनेबलर मतलब होता है काबिल बनाना, योग्य बनाना। अब इस टेक्नोलॉजी की परिभाषा अपने नाम पे छिपी हुई है, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। ऐसे टेक्नोलॉजी जो जमीन पे और पौधे के जितने भी पोषक तत्व आपने दिए हैं, उन पोषक तत्वों को काबिल बनाता है, योग्य बनाता है,
किसके काबिल बनाता है? इस काबिल बनाता है कि पौधे के पाचन तंत्र पे ये पूरे के पूरे पोषक तत्व तो काम आ सकें, इनका रूप बदल सके, ये एक्टिव हो सकें, पौधे के सिस्टम पर जाकर के अपनी प्रक्रियाओं को अंजाम दे सकें, और अंत जो उद्देश्य होता है कि पौधे की उत्पादकता में गुणवत्ता पूर्ण उत्पादकता बढ़ा सकें, यह टेक्नोलॉजी है। तो जब आप कहीं पर भी एक्टिव मैक्स की बात करिए, मेरा आपको करबद्ध निवेदन होगा कि आप आई नेट टेक्नोलॉजी की बात करिए, बिकॉज बहुत सारे उत्पाद आपको मिलेंगे लेकिन आई नेट टेक्नोलॉजी केवल और केवल एक्टिव मैक्स में मिलेगा, जो हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है। शरद जी आगे स्लाइड लेंगे। इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, मैंने दोनों चारों चीजें इसमें बताई दी आपको। पहला तो ये कि ये खास क्यों है, तो इसका रॉ मटेरियल बहुत खास है जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। दूसरा हमने बताया कि रिसर्च बैक्टीरिया इसके अंदर में बहुत अलग तरीके के हम मिलाते हैं, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस से हम तैयार करते हैं, और ये सामान्य वैज्ञानिकों के बस की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर मर देश विदेश के जाने माने वैज्ञानिक काम करते हैं। इंडोफिल का जो अनुसंधान शाला है मुंबई में थाने पे, उसको उस भारत वर्ष के सारे टॉप लेवल के जो अवार्ड है उनसे रिकॉग्नाइज किया गया है। उस लेवल का एक्सपर्ट हमारे पास है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को पूरा पिरोते हैं एक धारा में और इसके बाद बनाते हैं। इनके रॉ मटेरियल तो हम आयरलैंड से इंपोर्ट करते हैं। आयरलैंड से क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और वहां का जो ओसनिक प्लांट है वो बहुत अंदर से स्ट्रांग होता है, इसलिए हम उसको लाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी एक तो पूरी टेक्नोलॉजी सूत्र है, पर वो जो उत्पाद है उसकी खासियत भी है। सर जी अगली स्लाइड पे लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब आप देखिए जो मैं बात आपके साथ कर रहा था, ओसनिक प्लांट की हमने बात बताया, दूसरी बात है माइक्रोबियल स्ट्रेंथ की, कि आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं कि आपके एक्टिव मैक्स पे ये दुनिया भर के प्रोडक्ट से हट करके एक नया प्रोडक्ट है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में तरह तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं का इसका जो रस है वो उसके अंदर पे डाला गया है। सूक्ष्म जीवाणुओं का रस कैसे डाला जाता है? क्योंकि अनेक प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बड़े फर्नेस पर एक पद्धति से गुजारा जाता है जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और हाई डिग्री क्वालिटी के फर्मेंटेशन होते हैं, और उसके बाद उसका जो जूस होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल स्ट्रेंस, और उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट। तो अलग अलग तरीके के माइक्रोबियल स्ट्रेंस को हम यूज करते हैं और उनसे निकालते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट, इसलिए आपका जो उत्पाद है ये बड़ा अनोखा और बड़ा डिफरेंट उत्पाद होता है। अगले स्लाइड लेंगे शरद जी। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट जो मैंने आपको बात की, ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट क्यों ऐसा है? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर में बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, बायो सर्फेक्टेंट होते हैं, और ये ऑप्टिमम कंडीशंस के आधार पर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, दो बच्चों का एग्जांपल दिया था मैंने कि दोनों बच्चों को बराबर पोषण मिलता है, एक बच्चा तगड़ा होता है और एक बच्चा दुबला पतला सा रह जाता है। हमने उदाहरण दिया था क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बड़ी दवाइयां करता, कुछ ठीक नहीं हो पाता, लास्ट में डॉक्टर समझता है कि यस, पौधे के अंदर और मनुष्य के अंदर की चयापचय क्रियाएं कमजोर हैं, और जहां पर अभी शरद जी ने कर्सर रखा है वह है एंजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, और अगर एंजाइम आपका आपके पौधे में बहुत तगड़ा आपने दिया है तो पौधे की जो पाचन शक्ति है वो बहुत तगड़ी होगी। आप न्यूट्रिशन देंगे, वो भोजन खाएगा, मेटाबोलाइज करेगा, एसिमिलेट करेगा पौधे के ब्लड में, और पौधे का भी ब्लड होता है जिसको हम कोशिका रस कहते हैं, पूरे पौधे के सिस्टम पर जाएगा और पौधे की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। अगली स्लाइड लीजिए शरद जी। बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, बेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन केवल हमारे कहने से नहीं है, आप ये देखिए कि ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसमें हमने आपकी और आपके किसान की दोनों की परेशानियों को मद्देनजर रखा है, कि हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट आज लिया और अगर 6 महीने के अंदर में किसान इस्तेमाल नहीं कर पाए, 1 साल तक भी अगर कभी दिक्कत हुई तो कोई दिक्कत ना हो, 5 साल की सेल्फ लाइफ है। फिर ये प्रोडक्ट अगर 5 साल तक भी रखा है नॉर्मल कंडीशन पर तो ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होगा अपने आप, और प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर इसके अंदर में सारे एक्सपर्ट लोगों ने मिल करके तरह तरह के न्यूट्रिएंट डाले हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको लिस्ट नहीं दे सकता, इतने ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट डाले गए, और सारे न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबल फॉर्म पर हैं, जैविक तरीके से पौधा उसको ग्रहण कर पाता है। ग्रहण का मतलब आपने स्प्रे कर दिया और सामान्य किसान समझता कि हमने तो डाल के आ गए पौधे ले लिया, नहीं, कदापि नहीं। पौधा तो तब लेना माना जाता है जब पौधे के
कोशिकाओं के अंदर जाकर के आपके पोषक तत्व ने काम करके पौधे की उत्पादकता में अपनी एक भूमिका दर्ज करा दे, तब हम मानते हैं कि पौधे के अंदर आपके उत्पाद ने काम किया है। सर जी अगली स्लाइड। अब हम देखें कि इसके आईनेट टेक्नोलॉजी और जो उत्पाद है उसके बेनिफिट के, यद्यपि हमने पहले ही आपको काफी चीजें ब्रीफ कर दी, तो इसमें यह कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं पौधे की ग्रोथ को, पौधे के विकास को उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं, एक्साइट करते हैं, और पौधा अपने आप अपनी क्षमता के अधिकतम लेवल तक जा पाता है उपज देने के लिए। फिर ये इसके अंदर में शुगर है, अमीनो एसिड्स है, माइक्रोफ्लोरा है, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर में मिला करके हैं, जिसके बदौलत चीजें जो पौधे की अलग अलग आवश्यकताओं पे, अलग अलग अवस्थाओं पे जरूरत है, उनको पूरा नरिशमेंट मिल पाता है। एक तो ये कि नरिशमेंट भी, और दूसरा पार्ट होता है कि पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टिमुलेट हो पाती हैं, एक्टिवेट हो पाती हैं। सोयल माइक्रोफ्लोरा का हमने बात की कि वो बायोएक्टिव कंपाउंड को प्रमोट करता है, और उसकी वजह जैसे अगर आपने स्प्रे किया एक्टिव मैक्स का ऊपर में, तो ये पौधे के सिस्टम से नीचे तक जाता है और रूट्स में से भी जाकर के एक्जुडेट निकालता है, स्राव निकलते हैं, और वो स्राव जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन देते हैं, और उस भोजन के बदौलत जो एक्टिव रूट्स होती हैं पौधे को, जो सक्रिय, देखिए पौधे में दो तीन प्रकार की चीजें हैं, एक तो ये कि जो प्राथमिक जड़ें होती हैं जो पौधे को खड़े होने का सहारा देती हैं, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं वो भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के काम पे लगी रहती हैं, लेकिन जो प्रमुख काम पौधे के लिए भोजन इकट्ठा करने का होता है वो होता है व्हाइट रूट का, सफेद जड़ों का, और उनका विकास तभी संभव होता है जब पौधे के अंदर पर ह्यूमिक सब्सटेंसेस काफी अच्छे जा रहे हों, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स मिल रहे हों, जमीन के अंदर का जो राइजोस्फीयर है, जो जमीन के अंदर की एक बायोलॉजी है वो तगड़ी हो, हेल्दी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बदौलत जब ज्यादा रूट्स होंगी तो ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिव रूट्स की संख्या होगी उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की साइट बढ़ेगी, उतना ज्यादा इनका क्षेत्र मिलेगा और न्यूट्रिएंट पौधे के सिस्टम से अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और पौधा ले पाएगा। और लास्ट में यह है कि अगर पौधे ने पूरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़िया हेल्दी चल रही, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत तगड़ी चलेगी। आपको मालूम है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और यही एक्टिविटी के माध्यम से पौधा भोजन बनाता है। तो अगर भोजन बनाने की क्रिया, यानी उसकी रसोई तक की पूरी व्यवस्था आपने बढ़िया तगड़ी कर दी, अपने आप चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसका जो कंटेंट मैंने आपको बताया वही कंटेंट है कि इसके अंदर में देखें तो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेज हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, अमीनो सब्सटेंसेज है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आगे लीजिए सरद जी नेक्स्ट स्लाइड। अब आप बात करते हैं मेरे दोस्तों कि ये काम करता कैसे है, तो मैंने आपको अलग अलग चीजें बताया, और मैंने एक हाथ में मनुष्य और एक हाथ में पौधे के साथ तुलना करके बताया है, और वहां पर अब आपको यहां समझना है कि अगर हमने एक्टिव मैक्स डाला, और फिर यहां पर मैं वापस एक बार जोर देना चाहूंगा कि एक्टिव मैक्स की परिभाषा अपने दिमाग पे रख लीजिए कि एक्टिव मैक्स वो पौधा, वो उत्पाद है, द प्रोडक्ट व्हिच मैक्सिमाइजेस द एक्टिविटी, जो पौधे की पूरी एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। कौन सी एक्टिविटीज? पौधे की पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को अधिकतम की ओर ले जाए, वो उत्पाद है आपका एक्टिव मैक्स। उसके नाम पे ही गागर पे सागर है, सारी परिभाषाएं, सारा अर्थ उसके अंदर पे छिपा हुआ है। यहां पर क्या होगा कि अगर आपने पौधे को माइक्रोब्स मिल गए, तो पौधे के अंदर के स्ट्रेस जो होते हैं, जो तनाव होता है, वो पौधा रिलीफ कर देगा। दूसरी बात होगी कि न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत अच्छा हो जाएगा, पोषक तत्व बढ़िया खींचेंगे, जड़ें सफेद जड़ें जो होगी वो मैक्सिमम पोषक तत्वों को कलेक्ट करेंगी, पौधे की जड़ों को देंगी, जड़ें इसके माध्यम से, तने के माध्यम से पौधा ऊपर जाएगा न्यूट्रिशन, और जाकर के वहां पर भोजन बनाने की प्रक्रिया में काम आएगा। इसके माध्यम से पौधे का इम्यून सिस्टम तगड़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्लोरोफिल अच्छा सिंथेसिस होगा, और एंड ऑफ द डे हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है कि हायर यील्ड मिले और क्वालिटेटिव यील्ड मिले, दोनों चीजें पूरी होंगी। सर जी अगली स्लाइड। बेनिफिट पे अगर हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि अगर हमने एक्टिव मैक्स से बीज उपचार भी कर दिया, अथवा पौध जो सीडलिंग होती है, जो जमीन से पौधे को उखाड़ते हैं 25-21 दिन बाद और उसको दूसरी खेत पे लगाना होता है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं, अगर हमने उसको भी उपचारित कर दिया तो आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, पहला फायदा। आगे लीजिए सरद जी। फिर उसका दूसरा हमने पार्ट दिखाया
कि फोटोसिंथेसिस कि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाएगा और उसके बदौलत भोजन ज्यादा बनेगा, क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो फाइटोटॉनिक इफेक्ट ज्यादा आएगा। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हमने बताया कि इसका रूट ग्रोथ कि जब पौधे के अंदर पर ये मैक्टियोमैक्स जाता है तो जड़ों का समग्र विकास होता है मेरे दोस्तों, और ये चीज तो तब संभव है कि जब अगर हम कभी कोई कल्पना के साथ प्रैक्टिकल कर पाए। अगर आप अपने गमले में करके देखें, अपने खेत पर करके देखें, तो मैं ये बात आपको कहता हूं कि आपको फर्क महसूस होगा। जितनी ज्यादा छोटी छोटी बारीक व्हाइट रूट्स डेवलप होंगी उतना ज्यादा आप ये मानिए कि आपके पौधे की भोजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, पौधे के जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की साइट है वो उतनी ज्यादा साइट फैली ज्यादा मिल रही पौधे को, और उतना ही ज्यादा पौधा उत्पादकता ज्यादा दे पाने के सक्षम हो पाएगा। आगे अगली स्लाइड लीजिए, नेक्स्ट पीस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं आपको, नहीं तो थोड़ा वापस बैक, यस करेक्ट। इसमें थोड़ा चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको संसार में दुनिया में बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे। जैसे शरद जी ने कहा कि मैं तो करीब मोर देन दो दशक से भारत और भारत के अलावा करीब 15 देशों में जाकर के मैंने प्लांट न्यूट्रिशन पर काम किया है, चाहे वो जॉर्डन हो, तो जॉर्डन से लेकर के फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम, कई देशों में जाकर के किसानों के बीच जा जाकर के मैंने काम किया मेरे दोस्तों। और मैंने बारीकी से यह समझा है कि अगर मनुष्य को तनाव होता है तो हम अपने परिवार में व्यक्त करते हैं कि मुझे बड़ा टेंशन है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, आज बॉस ने डांट दिया, हमारे आज ऑफिस में ठीक नहीं रहा, हमारा आज बिजनेस ठीक नहीं हुआ, हमें अंदर से टेम्परेचर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है। लेकिन मेरा बेचारा पौधा किससे व्यक्त करेगा? मेरा बेचारा पौधा आपसे व्यक्त करेगा, लेकिन अगर आप उसकी भाषा को डिकोड करना जानते हैं तो। बिकॉज हमारा जो पेशेंट है वो पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट है, सबसे गूढ़ विषय अगर है तो हमारा है दोस्तों, क्योंकि हमारा पेशेंट बोल नहीं सकता, हमारा पेशेंट हंस नहीं सकता, लेकिन हम ये कहते हैं कि पौधा हमसे बात करता है, हमको उसकी भाषा को डिकोड करना है। और यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पौधे के जीवन पर जिसका बेचारे का 90 दिन का जीवन है, अगर 9 दिन पौधा तनाव में आ गया तो उसकी उत्पादक क्षमता पे 15-20% का लॉस हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? यस, उसे ठीक ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम पौधे को शुरू में ही कुछ ऐसी चीजें दे दें कि जब कभी पौधे के जीवन पर ऐसी तनाव आए तो कम से कम वो 1 हफ्ता 10 दिन तक उस तनाव से अपने आप को बाहर ले जाए और हमको पता भी ना चले कि पौधे को कभी टेंशन आया था। कितनी बड़ी सहायता होगी आपकी, आपके माध्यम से, हमारे मोदी केयर के सभी कंसल्टेंट भाइयों के माध्यम से, हमारे किसानों के लिए, और हमारे किसानों के साथ साथ हमारे लोगों के लिए जो किसान हैं उनके माध्यम से फसलों के लिए। करना यह है कि एक्टिव मैक्स के अंदर में हमने एक बहुत अच्छा कंटेंट है, उसका नाम है बीटेंस, और अगर आपने ये पौधे के अंदर में डाला है और पौधे में कभी कोई तनाव ऐसा आया तो बीटेंस के कारण ऐसा क्षमता होती है कि वो एक ऑस्मो रेगुलेशन पद्धति से रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है बीटेंस, और कहता है कि चलो अभी तनाव आने दो पौधे को, और 1 हफ्ता तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिमोट किसके पास है? पौधे के अंदर जो आपने एक्टिव मैक्स दिया, एक्टिव मैक्स के अंदर भी रिमोट है, और एक्टिव मैक्स रिमोट से पौधे को 1 हफ्ता 10 दिन तक तो बचा ले जाएगा, पर अगर उसके बाद भी पौधे को पानी चाहिए और हम नहीं दे पाएंगे तो फिर जरूरत, तब दिक्कत होगी। आप सोचिए मेरे दोस्त कि हर दिन किसान फसल नहीं देख पाता, हर किसान फसल की भाषा समझ नहीं पाता, पर अगर ऐसे एक निरीह प्राणी को, निरीह फसल को, अगर हमारे किसान भाइयों के माध्यम से हम ऐसी कोई चीज दे दें कि किसान फसल की बिना व्यक्ति की हुई परेशानी का भी समाधान पहले से ही दे के रख दे, कितना बड़ा वरदान साबित होगा, कितना बड़ा वरदान, आप सोचिएगा इस बात। और यस, वो वरदान अगर कुछ है तो वो आज हमारी मोदी केयर के माध्यम से आपके हाथ में है, जिसका नाम है एक्टिव मैथ। शरद जी अगली स्लाइड पे चलिए प्लीज। यस, फिर अगला जो एक लास्ट में सब लोग चाहते हैं कि भाई बेटर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, कि हम जो भी उत्पाद डालें उससे पौधे का रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़िया हो। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है कि फूल ज्यादा आए और फल ज्यादा बने, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव हर पौधे से हमारी मांग यही होती है कि अधिकतम उत्पादन दे दो,
और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन दे दो, वो दोनों चीजों के लिए पौधे से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो पौधा ये कहता है कि हमको एक्टिव मैक्स दे दो। दोस्तों मैंने एक लेख लिखा था जब मैं पीएचडी कर रहा था, और वो लेख ये था कि काश पौधे बोल पाते। इंग्लिश में उसका एक वर्जन अभी लिख रहा हूं कि प्लांट्स वुड हैव स्पोकन। अगर पौधा बोल पाता तो पौधे अपने दर्द को कैसे बयां करता, कैसे व्यक्त करता, और वो पौधा क्या मांगता, ये मैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने आभास के माध्यम से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से पूरे संसार को बताना चाहता हूं। और वो कोई चीज और नहीं, वो हमारे मोदी केयर के जैसा एक्टिव मैक्स है, ऐसी ही चीजें पौधा मांगता है। सूरज जी अगली स्लाइड पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। करेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर फल फूल, बेहतर उपज, दैट इज देयर। अब इसमें एक चीज मैं यहां पर थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप ये समझिए कि लोग ये कहते हैं कि एक टाइम ये था कि हमको उपज ज्यादा मिल जाए, मतलब एक एकड़ पर, एक उदाहरण देता हूं कि एक एकड़ पर अगर 10 क्विंटल उपज मिलती थी, तो आज किसान ये चाहता है कि हमने अगर एक्टिव मैक्स इस्तेमाल किया या कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो 10 क्विंटल की उपज अगर वो 12 क्विंटल मिल गई तो किसान खुश होते थे। मेरे वर्ड की ध्यान रखिएगा कि अगर 10 क्विंटल की जगह पे आपने 12 क्विंटल दे दिया तो किसान खुश होते थे। क्यों? क्योंकि उनको 2 क्विंटल का इंक्रीमेंट मिला। मेरे दोस्त अब समय वो नहीं है, अब समय वो इसलिए नहीं है कि उसके जो उपयोगकर्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई। हम और आप एक कंज्यूमर हैं, हम और आप एक ठेले के पास जाते हैं और एक 2 ठेला लगा है, एक ठेला में हम देखते हैं कि बड़े सुर्ख लाल रंग का बड़ा किन्नौर का सुंदर सेव लगा हुआ है, रखा है ठेले पे, एकदम डार्क रेड कलर की पूरी छिलका उसका पेरिकॉर्प है, एक भी कहीं श्रिंक नहीं है। और दूसरे ठेले पर देखते हैं कि एक ऐसा एप्पल रखा है जो थोड़ा नीचे हरा भी है, थोड़ा पीला भी है, थोड़ा लाल भी है, और बेचने वाला कहता है कि सर अगर ये थोड़ा हरा पीला लाल वाला जो है थोड़ा छिलका इसका जो थोड़ा श्रिंक हो गया है, ये हम 70 रुपए किलो दे देंगे, और जो एकदम डार्क रेड कलर का सुर्ख लाल रंग का बड़ा एकदम मन लुभावन एप्पल रखा है उसका रेट हम आपसे 20 रुपए ज्यादा लेंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कहेंगे मुझे तुम 80 रुपए वाला दो, 60 रुपए वाला नहीं लेना है। पहले एक टाइम था जब हम ये सोचते थे कि हम 60 रुपए वाला लेंगे और ला करके थोड़ा उसको छील लेंगे, कट कर लेंगे और खा लेंगे। आज ये क्यों है? क्योंकि हर आदमी का जीवन स्तर उठ चुका है, हर आदमी के पॉकेट पर मनी है, हर आदमी केवल भोजन नहीं चाहता, गुणवत्तापूर्ण भोजन चाहता है, हर आदमी न्यूट्रिशियस फूड की बात करता है। और अगर मनुष्य न्यूट्रिशियस फूड की बात करता है तो न्यूट्रिशियस फूड आएगा कहां से? न्यूट्रिशियस फूड फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, न्यूट्रिशियस फूड पैदा होता है किसानों की फैक्ट्री में, और किसान की फैक्ट्री खेत होते हैं, और उन खेतों पर जो उत्पादन होगा वो अब अगर 10 क्विंटल का 12 क्विंटल दे करके जो लोग खुश हो रहे होंगे उनका समय गया। अब समय उनका आएगा जो हमारे एक्टिव मैक्स के लोग होंगे, जो हमारे मोदी केयर के आदरणीय कंसल्टेंट भाई एवं बहन होंगे। क्यों होगा वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इसलिए होगा कि किसान अब केवल यील्ड की बात नहीं करेगा, किसान मार्केटेबल यील्ड की बात करता है। किसान ये कहता है कि सर 10 क्विंटल का अगर रेट हमको 1000 रुपए क्विंटल मिलता था तो अगर आपने 12 क्विंटल दे दिया तो 2 क्विंटल की ज्यादा उपज आपने दे दी, लेकिन रेट हमारा 1000 रुपए रहा, नहीं चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पर अगर एक्टिव मैक्स डाला है तो 10 क्विंटल की उपज ना केवल 12 क्विंटल, ये उपज उसकी हो सकता है 13 क्विंटल जाए, 12.5 क्विंटल जाए, 14 क्विंटल जाए, और 13 क्विंटल 14 क्विंटल जो जाएगी यहां पर आप ये मान करके चलिए कि वो 3 क्विंटल 4 क्विंटल के कारण केवल उपज में वृद्धि नहीं हुई। जो 10 क्विंटल का रेट अगर 1000 रुपए मिल रहा था तो अभी 13 क्विंटल 14 क्विंटल का रेट 1050 रुपए या 1100 रुपए मिलेगा। अब आप अंदाज लगाइए कि यहां पर 1000 रुपए का रेट 10 क्विंटल पर और यहां पर 13 क्विंटल पर 1100 रुपए का रेट, तो आपने केवल उपज नहीं बढ़ाई, आपने मार्केटेबल यील्ड बढ़ाई। आज किसान की जरूरत इस बात की है दोस्त, और ये चीज कहीं और नहीं है, ये चीज आपके एक्टिव मैक्स में है। मैं कई जगहों पर जाता हूं, लोग ये कहते हैं कि सर हमें ऐसा उत्पाद दीजिए जिससे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज कम हो सके, जो आज हम खाते हैं उसके अंदर में जो केमिकल पॉइजन होते हैं हमें मालूम नहीं चलता और हम खाते हैं, उन चीजों को कोई चीज है जो कम कर सके? उस तरीके के उत्पाद भी आने वाले टाइम पर आपको मोदी केयर देगा,
लेकिन आज अगर आप ActiveMax जैसी चीजों को सही तरीके से इसकी पोजिशनिंग कर दी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि इसमें आप ओवर क्लेम करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि इसको आप अंडर क्लेम करिए, लेकिन मेरे दोस्त जिस चीज को ActiveMax, जिस रिस्पेक्ट को हमारा ये ActiveMax डिजर्व करता है, उसको उस पोजीशन तक लेके जाने की जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो वो हमारे आदरणीय मोदी केयर के हमारे सभी कंसल्टेंट भाई बहन है। सर जी अगली स्लाइड। सर नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा लग रहा। हेलो यस सर, यस करेक्ट। थैंक यू सो मच। फिर दूसरी बात हम ये भी करते हैं कि इसका हम अब बात करते हैं कि हम इसका स्प्रे कब कब करना है, उसके स्टेजेस क्या क्या होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें तीन स्टेजेज में है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है, फिर उसका जो फ्लावर आते रहते हैं, और जब फ्रूटिंग स्टेज होती है। तीन अवस्थाओं पर आप ध्यान रखिए कि जब आप स्प्रे करना है तो तीन अवस्थाओं जो बहुत क्लियर बताई गई है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, फ्लावर इनिशिएशन स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज। अगली स्लाइड में चलिए सर जी। फिर इसका उपचार करने के मेथड्स क्या हैं और इसका डोज क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आप ये मानिए कि इसका हम अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं, हमने कहा था बीज उपचार, बीज में मैं एक कैप्शन देता हूं, मैं कई बार बात करता हूं मीटिंग में कि बीज को हम ये कहते हैं कि नन्ही सी जान मांगे ज्यादा ध्यान। बड़ा छोटा सा कैप्शन है लेकिन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट कैप्शन है कि नन्ही सी जान मांगे ज्यादा ध्यान। नन्ही सी जान मतलब कौन सी? ये बीज, एक छोटे से बीज जिसके बाद वो पूरे पौधे में कन्वर्ट होगा और वो पूरे पौधे जाने कितने दानों में कन्वर्ट होगा और उसके बाद कितने बीज बनेंगे, गॉड नोस। करेक्ट। ये पूरी साइकिल जो है वो नन्ही सी जान पर डिपेंड करती है और उस नन्ही सी जान को अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया, मतलब हमने, मतलब आपके माध्यम से हमारे किसान भाई, तो आप ये समझिए कि चमत्कार हो सकता है। तो उसके लिए बीज उपचार के लिए हम ये कहते हैं कि 1-2 से 3 मिलीलीटर ActiveMax को 1 लीटर पानी पे मिलाना है और उसको स्वेक कर देना, सीड को 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर में डुबो के रखना, जैसे धान का बीज लोग सोकिंग करते हैं, फिर निकाल दीजिए और फिर स्प्रे कर सोइंग कर दीजिए। कुछ लोग बीज में कोटिंग करते हैं, सोयाबीन की कोटिंग करते हैं लोग, चने में कोटिंग करते हैं, ऐसे कई फसल जिनमें कि बीज के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, वहां पर आप बताइए कि 2-3 मिलीलीटर सीड मैक्स ले लें और उतना ही पानी ले लें और 1 किलो बीज ले लें और उसके ऊपर हल्के हाथों से, मतलब ज्यादा रगड़े नहीं कि नहीं तो बीज का अंकुर टूटे नहीं, हल्के हाथों से उसको ऐसा मिक्स कर दें, उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। फिर रूट डिपिंग है। रूट डिपिंग में यह है, मैं इसमें बड़ी एक मर्म चीज आपको बताऊं, आप ध्यान में रखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये देखते हैं कि हम धान के पौधे से एग्जाम्पल देते हैं कि हम धान का पौधा लेते हैं, धान के पौधे को, बीज को हम नर्सरी में बो देते हैं, 21 दिन 3 हफ्ते तक पौधा खेत पे नर्सरी में रहता है, उसके बाद हम नर्सरी से पौध को उखाड़ते हैं और मेन प्लाट पर खेत पे जाकर उसको रोपक लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने घर से एक ऐसे पौध को दूसरे घर पर जाकर के स्थापित कर रहे हैं, दूसरे प्लॉट पर जाकर स्थापित कर रहे हैं, तो आप उसको क्या ऐसे ही विदा कर देंगे? आप उसको भरपूर सजा करके कंप्लीट पोषण के साथ नहीं देंगे? देंगे। और अगर वो छोटी सी पौध जो 21 दिन का छोटा बच्चा है, जिसने 21 दिन पे अपनी जड़ें जमाने का प्रयास किया है, और हम उस पौधे को जड़ सहित उखाड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर के उस जड़ सहित पौधे को लगा करके, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 1 हफ्ता के अंदर पौधा हरा भरा दिखने लग जाए, पूरी जड़ें इस्टेब्लिश हो जाए, पौधा अपने रूटीन लाइफ पे आ जाए, ऐसा संभव नहीं है दोस्त, ऐसा संभव नहीं है। ये तब संभव है जब हमने उसको रूट डिपिंग करके दिया है, हमने उसको टीका लगा करके दिया है, हमने उसको ऐसा एक वैक्सीन लगा करके दिया है कि तुम जाओ और जा करके 1 हफ्ते के अंदर जो तुम्हारा 15-20 दिन का टाइम लगता था रीस्टैब्लिशमेंट होने पे, और एक जर्क, एक शॉक लगता था जिसको हम कहते थे ट्रांसप्लांटेशन शॉक, वो शॉक तुमको ना लगे तो उसके लिए जरूरत ये होती है कि 2-3% का सोल्यूशन बना लीजिए, आप घोल बना लीजिए ActiveMax का, एक बड़े भगोने में रख लीजिए और जो पौधे के सीडलिंग है उनको 10 मिनट तक आप उसके अंदर, 4-5 मिनट भी अगर आप उसके अंदर में डुबो कर दीजिए, डिप कर दीजिए, और फिर आप खेत पे ट्रांसप्लांट फेंक दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको परिवर्तन दिखेगा दोस्त, परिवर्तन दिखाई देगा, और आपका किसान अपनी आंखों से जब इस चीज को एहसास कर पाएगा, देख पाएगा, समझ पाएगा, आपको मालूम है किसान आपको केवल पैसे नहीं देगा,
कितना बड़ा पुण्य देगा, कितना बड़ा दुआ देगा, कितना आशीर्वाद देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि किसान की जो बुनियादी पूंजी है वो उसकी फसल है, और जब अपने किसान अपने फसल पे जान लगाता है और वो देखता है कि उसकी फसल एक हफ्ते के अंदर कैसे लहलहा करके खड़ा हो गया, उसकी खुशी का आरा पार नहीं होता। आप वो काम करने जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हैं, आप इतना बड़ा समाधान देने जा रहे हैं कि पौधे के जीवन की जो शुरुआत है, जिसको हम बीज कहते हैं, वहां से ही पौधे को आप पूरी तरह से पोषण के साथ ट्रीट करके फिर पौधे को आगे भेजते हैं। आगे अगली स्लाइड लीजिए शरद जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ करेक्ट। अब यहां पर आप देखिए कि अगर हम इसका फोलियर स्प्रे करते हैं तो कैसे करना, तो 1 से 2 मिलीलीटर एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में मिला लेना है और उसके बाद में उसका स्प्रे करना है। अब आपको ये जैसा हमने बताया कि जब शुरू की अवस्था वेजिटेटिव स्टेज है, जब पौधे में बढ़वार आने चालू होती है, उस पे 1 मिलीलीटर प्रति लीटर आप पानी की दर से, जैसे 15 लीटर की टंकी होती है जो लोग स्प्रे करते हैं गाँव में, स्प्रेयर रखते हैं, तो 15 लीटर की टंकी के लिए 15 ml चाहिए। तो 15 ml के लिए आपको पहले एक पानी के उसमें मिला लीजिए, आप उसका मास्टर सोल्यूशन बना लीजिए और उसके बाद उस पे आप उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से हिला करके, फिर टैंक में डाल दीजिए और स्प्रे करिए। तो एक वनस्पतिक अवस्था में 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, फूल आने की पहले की अवस्था प्री फ्लावरिंग जिसको हम कहते हैं प्री ब्लूम, धान में कहते हैं पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, बाली निकलने के ठीक पहले की गभोट की अवस्था जिसको कहते हैं, सही मामले में पूछा जाए तो वो गर्भावस्था होती है, उस टाइम पर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर वहां पर भी पानी के साथ। और जब फल बनना चालू होता है, जब बालियां निकल आती हैं, बालियां भरना, दूध भरना चालू होते हैं, उस टाइम पर उसको ज्यादा पोषण चाहिए, क्योंकि पौधा ज्यादा पोषण मांगता है, कंज्यूम करेगा। अब अगर वो कंज्यूम करेगा और हम देंगे नहीं तो क्या होगा, पौधा गुस्सा होकर के, नाराज होकर के आकर के बोलेगा नहीं कि शरद जी आपके कंसल्टेंट भाई लोग हमको भोजन नहीं दे रहे हैं, वो बोलेगा नहीं। लेकिन ये आपका एक एक वो किसान ये अनुभूत करेगा, ये महसूस करेगा कि कुछ तो गैप हो रहा है, और उस दिन वो आपका इंतजार करेगा कि हमारे आदरणीय कंसल्टेंट भाई बहन मोदी केयर के आए और हमको वो बता करके दे करके जाएं। अगर ये चीज आपने पहले किसान को समझा दिया कि जब फलन की अवस्था हो उस टाइम पर आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से बिना कुछ सोचे, बिना कोई मन में संदेह लाए डालना ही डालना है, तो आप ये मान के चलिए कि पौधे को आपने इतना तगड़ा बनाया कि उसके पूरी जीवन को आपने संभाल दिया, सुचारू कर दिया, और आप उसके बाद देखिए कितने फायदे होते हैं उसको। रही बात इसकी कंपेटिबिलिटी के, कई बार ये सवाल पूछते हैं कि लोग किसको, सर मैं इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, फंजीसाइड के साथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, खरपतवार नाशक के साथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं। तो मेरा एक ही कहना है कि इसको आप किसी के साथ भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरपतवार नाशक के साथ हम लोग मना करते हैं, क्योंकि खरपतवार नाशक का काम होता है, वो भी पौधा है, खरपतवार भी पौधा है, उसका काम है पौधे को मारना, और आपका जो ये एक्टिव मैक्स ये जीवन देने का काम करता है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं, इसे खरपतवार नाशक के साथ ना मिलाइए, बाकी आप किसी के साथ भी मिलाइए। सर जी अगली स्लाइड करेक्ट। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो उत्पाद है एक्टिव मैक्स, इसकी थोड़ा विशेषता बता दूं कि इसका करेक्टरिस्टिक कैसा है और सावधानी क्या लेना है। तो करेक्टरिस्टिक का ये है कि ये एक ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, जब आप इसको ढक्कन पर अच्छे से हिला लीजिए, जब ढक्कन खोलेंगे तो आप पाएंगे कि एक ब्राउन कलर का, ब्लैकिश ब्राउन कलर का लिक्विड होगा, वो सेमी लिक्विड जैसा। फिर विस्कस होता है थोड़ा, मतलब कंप्लीट लिक्विड जैसा नहीं होता, थोड़ा विस्कस होता है। फिर हाईली सोल्युबल होता है, पानी में आप डालेंगे बराबर घुलेगा आपको, टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है, और 5 साल का इसका लाइफ होता है, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत है। अपने किसान को आप समझा सकते हैं कि आप बड़ा पैक लो, आने वाले टाइम पर तो मोदी केयर में जिस तरीके के हमारे आदरणीय कंसल्टेंट भाई बहन इसमें इसको प्रोडक्ट को लेकर के आगे जाकर के अपने बिजनेस बिल्ट अप करने पे एक्टिव मैक्स को एक अहम जगह दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं, उसके कारण तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम पर एक्टिव मैक्स का मुझे 20 लीटर का ड्रम भी बना करके देना पड़े मोदी केयर को, तो वो दिन भी दूर नहीं और शरद साहब को मैं ये कहना भी चाहूंगा कि शरद साहब ये बात को पहुंचाएंगे भी हमारे समीर मोदी साहब और मोहित मोदी साहब तक कि आने वाले टाइम पर ये भी डिमांड होगी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है ऐसी डिमांड के बड़े करेक्ट। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें सावधानियां लेने की क्या, तो इसको ये है कि हम इसको कहते हैं कि आप इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन धूप रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, थोड़ा इसका जो ढक्कन है उसको आप टाइट रखिए, खोलिए मत, उपयोग करने के जब उपयोग कर लीजिए फिर ढक्कन को टाइट कर लीजिए,
और बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, देखो टॉक्सिक नहीं है पर फिर भी बच्चों से दूरी रखना चाहिए। और जब आप किसी भी केमिकल के साथ मिलाते हैं तो पहले जैसे मैंने कहा कि इसका एक मास्टर सॉल्यूशन बना लें, कि एक छोटे से मग्घे में पहले इसका घोल बना लीजिए। अगर आपको 15 लीटर के टैंक में डालना है तो 15 लीटर पानी के लिए पहले आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें आप 15 ml ये मिला लीजिए, अगर 1 ml पर लीटर के डालना है, और फिर आप उसको घोल को डाल दीजिए टैंक में और फिर स्प्रे करिए। तो ये थोड़ा सावधानी आप लेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। अगली स्लाइड शरद जी। नेक्स्ट प्लीज। शरद जी को हमारी बहुत लैग है, शरद जी को आज हमारी बहुत मदद करनी पड़ रही बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क इशू। स्लाइड दिख रही है जी सर? स्लाइड दिख रही है? यस यस, करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट क्लास। अब ये एक पार्ट है, ये एक और सवाल होता है, कई बार लोग पूछना चाहते हैं, कई बार लोग नहीं पूछना चाहते, कई बार लोग पूछ पाते हैं, कई बार लोगों के मन में सवाल रह जाता है कि अरे डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने तो बताया कि भाई ये इतना अच्छा उत्पाद है, पर इसको क्या मैं धान में डालूं, क्या मैं अरहर में डालूं, क्या मैं मूंग में डालूं, क्या मैं गुलाब के फूल पर डालूं, क्या मैं इसको किसी मसाले की फसल में डालूं कि नहीं डालूं। तो आप एक चीज पूरी ब्लाइंडली आप दिमाग पर रख लीजिए मेरे आदरणीय विद्वान दोस्तों, कि फसल कोई भी हो पोषण सबकी जरूरत है। मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर अमित त्रिपाठी हो, चाहे शरद चौधरी जी हो, चाहे और भी कोई हमारे दोस्त हो, पोषण सबको चाहिए, भोजन सबको चाहिए। उस तरीके से ही ये तो ऐसा बुनियाद है कि ये बुनियाद आपके हर फसल की जरूरत है। फसल कोई भी हो, हर फसल के लिए आपकी एक्टिव मैस की जरूरत है, चाहे वो चाय की फसल हो, चाहे कॉफी की फसल हो। तो आपके लिए आप सोचिए कितना बड़ा विंडो आपको मिल रहा है। अगर आप अपने बिजनेस बिल्टअप करने का मेजर पोर्शन अगर आप एक्टिव मैक्स से बिल्टअप करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योग्राफी की सीमाएं आपको बांध पाएंगी दोस्तों, कोई 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 लैंड की सीमाएं आपको बांध पाएंगी, दूर दूर तक नहीं। आप सोचिए एक ही फसल के अंदर पे बीज उपचार से लेकर के मैंने बताया कि बीज उपचार पर भी आप डाल सकते हैं, फिर तीन अवस्थाओं में उसके स्प्रेज हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि और एक कितनी फसलें हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये संकल्प लीजिए कि जिन किसान भाइयों के जीवन में एक आर्थिक उन्नति करने का आपने एक सौगंध लिया है, आपने एक मिशन लिया है, उस किसान की एक एक फसल अब भूखी ना रह जाए, उस किसान की एक एक फसल अब आधा पेट ना रह जाए। और वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब आप एक्टिव मैक्स जैसा एक जादुई उत्पाद अपने किसान को दे करके और उसको सुनिश्चित कर दें कि मेरे दोस्त अब मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि हमने तुमको एक ऐसा उत्पाद दिया है जिसका नाम है एक्टिव मैक्स और जिसका काम है कि पौधे की पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज कर दे। द प्रोडक्ट विच मैक्सिमाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट सिस्टम दैट इज एक्टिव मैक्स। वो चमत्कारी उत्पाद एक्टिव मैक्स है। अगली साइड प्लीज। अब यहां पर थोड़ा दो तीन चार स्लाइड में मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूं कि ये उत्पाद उपयोग करने के पहले और बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। तो आप देखते हैं हमारे पास तो पूरे भारतवर्ष पर अलग अलग जगहों से बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, बड़े कॉपीज हमने देखा है, हमने कई अनुसंधान शालाओं पर भी ये प्रोडक्ट देख करके रखा है। तो ये क्यूमिन पे है कि क्यूमिन पे जैसे गुजरात पे आपको बहुत क्यूमिन की फसल होती है, तो पहले और बाद में क्या स्टेटस आपको ये फसल की स्थिति अपने आप ही दिखा रहा है कि क्या है, और इसके डाटा सब शरद जी के पास अवेलेबल हैं। अगली स्लाइड शरद जी। सर कुछ ये आई थिंक टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो वेरियस फार्मर्स ने महाराष्ट्र के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से में ये भेजी हैं। सो मैरीगोल्ड के ऊपर, गेंदे के फूल के ऊपर है, बैंगन के ऊपर है, ग्रेप अंगूर के ऊपर है, प्याज के ऊपर है, बंद गोभी के ऊपर है, लेमन के ऊपर है। सो और हर रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हम देखें तो फल बहुत अच्छा हुआ है, रंग बहुत अच्छा हुआ है, पैदावार बहुत बढ़िया हुई है, और ये टेस्टिमोनियल्स आए हैं फार्मर्स की तरफ से जिन्होंने एक्टिव मैक्स अपने खेतों में इस्तेमाल किया है। और ऐसे सर टेस्टिमोनियल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष से हमारे पास इस तरह के टेस्टिमोनियल्स पहुंच रहे हैं, और हम एक इसको पूरा कंपाइल करके एक पूरा एक नोटबुक भी रिलीज करने वाले हैं सर इसके। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आई होप वो चीज अपने आप बूस्टअप करेगी। और मुझे लगता है शरद जी कि आज जो लोग हमारे सभी दोस्त और भाई बहन सभी लोग सुन रहे होंगे, अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान पर होगा। इस तरीके की
नो डाउट सर, नो डाउट सर, बहुत शानदार, थैंक यू। और ये जो बुकलेट अगर आपने रिलीज कर दिया या तो लोगों को अपने आप पे प्रूफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल 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 सर, बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबको मिली है। आई थिंक हमारे सारे कंसल्टेंट लीडर्स का जो कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत आगे बढ़ेगा, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि अब एक्टिव मैक्स और तेजी से हम एक्टिव मैक्स को प्रमोट कर सकेंगे किसानों की मदद करने के लिए। मैं यहाँ पे सर आपसे 5 मिनट और लेना चाहेंगे हमारे, और मैं जगत सर को कहना चाहूंगा कि अगर किसी का कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो अभी हम चैट में पूछ सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी के 5 मिनट और हैं जी। और एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, हम इनफैक्ट बहुत ही क्लियर हो गया है सबको ये प्रोडक्ट, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। सर एक सवाल आता है सर, अमित सर से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बोलते हैं कि जो खेतों में डालते हैं यूरिया फर्टिलाइजर, ये हमारी उर्वरकता को कम कर देते हैं, तो क्या इसमें ऐसा कुछ है कि ये एक तरह से कि न्यूट्रिशन ये हमारी जमीन की क्वालिटी को अच्छा रखेगा, ऐसा ही है कुछ या क्या है? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपने पूछा, लेकिन आपको ये मैं बता दूं सर कि चूंकि ये वाला जो एक्टिव मैक्स है इसका हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं ना, तो जब हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो फोलियर एप्लीकेशन के टाइम पर, जस्ट अ सेकंड प्लीज, अगेन टेक्निकल प्रॉब्लम, बैटरी के थोड़ा इशू। ये सबसे ज्यादा सवाल आता है, तो अभी आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल आ रही सर, आ रही है। हमको सुन पा रहे हैं सर? यस सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। हमारी आवाज आ पा रही है आपके पास? करेक्ट। हाँ जी, इस पे मैं ये बता दूं सर कि इसमें ये है कि जब भी ये उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव मैक्स, क्योंकि एक्टिव मैक्स का बेसिकली उपयोग हम फोलियर एप्लीकेशन में करते हैं, तो फोलियर एप्लीकेशन में उपयोग करने से इसका पौधे के पूरे रस पे, पूरे सिस्टम पर इसका प्रभाव होता है, और जमीन के अंदर जाकर के ये ऐसे एग्जुडेट स्राव देता है, जिसके स्राव मतलब जो इसके रस निकलते हैं जड़ों के माध्यम से, उसके माध्यम से जमीन के अंदर जो ऐसे न्यूट्रिएंट उपलब्ध है, जो पड़े हुए हैं, जो अनअवेलेबल फॉर्म पर हैं, जिनको जमीन के अंदर पड़े हुए हैं लेकिन पौधा ले नहीं पा रहा, उन न्यूट्रिएंट्स को ये अवेलेबल फॉर्म पर, बायो अवेलेबल फॉर्म पर कन्वर्ट करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। तो उसके बदौलत यह होता है कि जो जमीन बंजर होने के कगार पर है सर, उस जमीन को काफी हद तक वापस ये उपजाऊपन की तरफ ला पाता है। जी थैंक यू सर। सर इसको क्या ज्यादा यूज करने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं है? कोई ज्यादा यूज कर दिया मान लीजिए पौधों के लिए नुकसान तो नहीं है? मान लीजिए मात्रा से ज्यादा डाल दिया किसी ने, तो उस केस में क्या होगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि इसके अंदर में कोई केमिकल नहीं है सर, इसलिए कोई नुकसान होने के फायदे, नुकसान होने के सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी अनुशंसा ये होगी कि जो रिकमेंडेड डोज है वही लोग इस्तेमाल करें, फिर मैं वही अनुशंसा करना चाहूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और सर कुछ सवाल आ रहे हैं? सरस सर सुन पा रहे हैं आप? सरस सर सरस सर नहीं सुन पा रहे हैं, एनीवेज टेक्निकल प्रॉब्लम। आप जो बहुत सारे सवाल भी, सरस सर को अनम्यूट करिए। हाँ सरस सर को मैं कर देता हूँ अनम्यूट एक बार। या मुझे आवाज आ रही थी, मैं बोल रहा था, बट आई थिंक अब आ रही है आपकी। हाँ जी सर, डॉक्टर त्रिपाठी जी, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमें भी आता है फील्ड से, वो ये है कि जब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो कौन से सीड के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट यूज करनी है, यानी कि 2-3 ml एक्टिव मैक्स लिक्विड लेना है 1 लीटर पानी में और उसको सो करके रखना है, और कौन से सीड के लिए हमें सीड कोटिंग यूज करनी है, तो इसमें किस बीज के लिए सिर्फ कोटिंग यूज इस्तेमाल करना है और किस बीज के लिए ट्रीटमेंट वाला मेथड इस्तेमाल करना है? बढ़िया सवाल है सरज जी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बढ़िया आपने प्रिकॉशन वाला सवाल पूछा, ये सावधानी वाला सवाल है, कि नॉर्मली किसानों को, पूरी किसान को हमारे लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वो पिछले 25-50 सालों से खेती करते आ रहे हैं, उनको मालूम है कि कौन सी फसल को हमको पानी में भिगोना है और कौन सी फसल को पानी में नहीं भिगोना है।
अगर जैसे सोयाबीन की फसल है, चने की फसल, अगर इनको पानी में भिगो देंगे तो इनका अंकुरण प्रभावित हो जाएगा। आप चाहे जितना भी एक्टिव मैक्स डालिए तो उल्टा कंप्लेंट चालू हो जाएगी। तो मेरा ये सुझाव है कि किसानों को उस पर बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, किसान को ये सलाह दें कि भाई जिस फसल को आप पानी में, जिस बीज को आप पानी में भिगोते हो, जैसे धान की फसल है, धान की फसल को जो किसान है वो पानी में भिगोता है पहले, फिर तब उसके बाद वो उसको निकालता है, फिर सुखाता है और सुखा करके फिर खेत में डालता है, वहां पर आपको उसका उसका लेप जो हमने बताया कि सोल्यूशन बनाना है और सोल्यूशन में उसको डिप करना है। लेकिन जैसे चना की फसल है, चना की फसल को, चने के बीज को लोग कभी भी पानी में डुबोएंगे नहीं, उस पर ऊपर से ले ही लगाते हैं, सीड कोटिंग करते हैं। तो वहां पर उनको बताइए किसान को कि भाई जिस फसल पर आप कोटिंग करते हैं वहां पर आपको इतना मिला, इतना मिलीलीटर मिलाना जो हमने बताया, और वैसे ही वो मिलाएगा उसके अंदर पे। तो ये आपको ध्यान देने का है कि किसान को जो वो कर रहा है उसकी प्रैक्टिस को चेंज नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट को, अपने समाधान को उसको बताना है कि उसकी, उसके साथ में आपको हो जाना है, तो उसमें दिक्कतें नहीं होंगी। क्या लोग गमले में लगाते हैं प्लांट वगैरह, तो गमले में अगर कुछ लगाया हुआ है तो उसके लिए अगर एक्टिव मैस को हम यूज करें तो कैसे, स्प्रे के थ्रू करना चाहिए, पानी में मिला के करना चाहिए, क्या ठीक रहता है पौधों के लिए जो प्लांट्स लगा रखे हैं गमलों में, चाहे वो फूल वगैरह हो, चाहे वो कुछ छोटी मोटी चीजें उगाई हुई हो, मिर्ची वगैरह हो, धनिया वगैरह हो, इस टाइप की चीजें हो। वेरी गुड। एक्चुअली गमलों के लिए और जो किचन एंड होम गार्डन है उसके लिए एक जबरदस्त उत्पाद अभी कुछ दिनों बाद आने वाला है, गार्डन मोदी केयर प्योर, वो भी उसकी तैयारी पूरी रेडी है, वो जबरदस्त उत्पाद एक और आएगा। पर तब तक के लिए मैं बता दूं कि एक्टिव मैस को लोग अपने पास में रख लें, छोटे वो एक लीटर वाले स्प्रेयर आते हैं जो अपन सैलून पे जाते हैं कई बार, वो रखते हैं ना सैलून वाले, एक लीटर वाला स्प्रेयर आता है, उस पर वो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना लें, और जब भी पौधे पे, वो तो 15 दिन एक हफ्ते के अंदर में भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि घर पे तो बहुत ज्यादा होता नहीं है कल्टीवेशन, तो वहां पर वो जब भी चाहे एक हफ्ता 15 दिन के अंदर में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं। और उनको जो भी है, अगर वो फूल है तो फूल बहुत अच्छे मिलेंगे, फूल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, रिटेंशन लंबे ज्यादा टाइम तक रहेगा, फूल जल्दी झड़ेगा नहीं, पकड़ी जल्दी ज्यादा झड़ेगी नहीं। मतलब एक ही चीज याद रखना है सर, कि हमने जो कहा शुरू में कि टू मैक्सिमाइज ट्रू जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ क्रॉप, पौधे के अंदर की जो अधिकतम उत्पादक क्षमता है वहां तक ले जाने पर मदद करेगा, तो उस पे फिर चाहे वो पौधा गमले में हो, चाहे पौधा वो हाइड्रोपोनिक्स में हो, चाहे पौधा खेत में हो। यस, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्टिव मैक्स के बेनिफिट्स को और बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिवेटी। एक्टिवेटी जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक स्प्रेडर है, वेटर है, एक्टिवेटर है, तो जब भी आप एक्टिव मैक्स का स्प्रे कर रहे हैं तो उसी स्प्रे में, उसी सॉल्यूशन में आप एक्टिवेटी भी मिला सकते हैं। 5 ml 15 लीटर के सॉल्यूशन में मिला दीजिए और एक्टिव मैक्स और एक्टिवेटी को इकट्ठे मिला के, सो 15 लीटर का अगर पानी टैंक है तो आपने 15 ml एक्टिव मैक्स मिला दिया वेजिटेटिव फेस में, और अगर फ्रूटिंग फेस है तो आपने उसमें पर ml के हिसाब से 2 ml मिला दिया, यानी कि 15 लीटर के टैंक में आपने 30 ml मिला दिया, लेकिन एक्टिवेटी आपको 5 ml ही मिलाना है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका एक्टिव मैक्स बहुत अच्छे तरीके से पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर फैलेगा, बारिश आने पे या आंधी आने पे बूंदे नीचे नहीं गिरता, बूंदे बनती नहीं है, तो पूरी कवरेज हो जाती है। सो आप एक्टिवेटी और एक्टिव मैक्स को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, एक्टिवेटी 5 लीटर में एक, मतलब 1 ml कंपेयर किया जाए तो, सो 15 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें 5 ml एक्टिवेटी मिलाना। और एक्टिव मैक्स ऑफ कोर्स इधर 15 ml और इधर 30 ml, फ्रूटिंग स्टेज है तो 30 ml कर दीजिए, अगर वेजिटेटिव फेस है तो उसमें 15 ml कर दीजिए। आज आपने माइंड ओपनिंग वाला जो ट्रेनिंग दिया सर त्रिपाठी सर, वाकई में सर मजा आ गया। और आज जो आपने कंपेयर किया ना कि हमारे, हमारी बॉडी को देखा जाए, इंसान को देखा जाए, पौधों को देखा जाए, बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आईनेट टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी ने वाकई में कमाल करने वाली है। आईनेट टेक्नोलॉजी जो वाकई में मैंने भी इतना डीपली नहीं पढ़ा था, देखा था, लेकिन आज देख के लग रहा वाकई में क्या शानदार चीज बताई आपने, और इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है सर। शरद जी, मैं बस कंक्लूड, क्योंकि बाकी जो सवाल आपके पास आएंगे आप मुझे बाद में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं और सारे सवाल बड़े बड़े मतलब संदर्भित सवाल हैं पूरे इसी सब्जेक्ट, तो मेरे को आप फॉरवर्ड करिएगा, मैं पूरे उत्तर दूंगा। बस एक 2-3 चीजें मतलब जो लास्ट कंक्लूड मैं कर दूंगा, और बिकॉज अभी समय भी हो रहा मेरा, तो पहला एक पार्ट ये
कि हम जो वापस पहले बात कर रहे थे मनुष्य के साथ तुलना करके, तो वापस मैं एक बात ये बता दूं कि एक जो अधिकतम क्षमता तक की बात है उस पे एक ही बात आप ये मान करके चलिए कि अगर एक ह्यूमन कपल जिनकी हाइट 6 फीट है, तो इसका मतलब है कि उनकी उनके अगली जनरेशन का जो जेनेटिक पोटेंशियल है, वो जेनेटिक पोटेंशियल उनका यह है कि वो 6 फीट तक जाए। लेकिन 6 फीट तक वो कब जाएंगे? जब वो पूरी तरह से प्रॉपर नरिशमेंट उनको मिलेगा, वो माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होंगे। तो आप ये मान करके चलिए इस तरीके की सिचुएशन पौधों में भी है कि अगर पौधे पे पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट उसके बीज से, मिट्टी से, पौधे के अलग अलग अवस्थाओं में उसको मिल रहा है, तो उसकी अधिकतम क्षमता जो जेनेटिक पोटेंशियल है वहां तक उपज देने की क्षमता रखता है। अन्यथा हम अगर उससे ये उम्मीद करें कि अधिकतम उपज क्षमता तक जाए और ना केवल क्वांटिटी बट क्वालिटी में भी, तो कहीं ना कहीं हमारी नाजायज डिमांड होगी पौधे से, बेचारा पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। बिना एक्टिव मैक्स भी अगर हम वो उससे अपेक्षा रखते हैं, तो हमको वैसी अपेक्षा रखना है, लेकिन उसको अपेक्षा रखने के लिए हमको ये भी ध्यान देना है कि हम पौधे को उसकी जरूरत की एक्टिव मैक्स दे सकें। लास्ट में एक पंक्तियों के माध्यम से मैं इसको समराइज करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि खेत हल खलिहान की, खेत हल खलिहान की पूजा जहां होती, बीज मोती की मटीली अंगुलियां बोती। खेत हल खलिहान की पूजा जहां होती, बीज मोती के मटीली अंगुलियां बोती। प्रार्थना, प्रार्थना हे प्रभु, उन घरों पर हो सुखों के छाओं, उन खेतों पर भी पड़े एक्टिव मैक्स के पांव, एक्टिव मैक्स के पांव। वाह वाह सर, वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरी तरफ से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे मोदी केयर के हमारे सभी इतने सुंदर, इतने इतने प्रबुद्ध, इतने बुद्धिमान, इतने काबिल हमारे कंसल्टेंट्स भाई एवं बहन, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार। इतना पैशनेट लर्निंग आपकी थी और पर्टिकुलरली शरद चौधरी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इतना बढ़िया तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज किए। थैंक्स टू मिस्टर मोहित मोदी, थैंक्स टू समीर मोदी साहब और थैंक्स टू इंटायर मोदी केयर को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई में जो ट्रेनिंग दिया सर, वाकई में दिल में उतर गया। और जब से ट्रेनिंग चल रही थी, मतलब मैं खुद एकदम ऐसे ही लग गया था, जैसे कि लगन हो गई ऐसी चीज जानने की। जबकि मैं खेती यहाँ पर नहीं, जयपुर में करता हूँ, मेरे गांव में खेती होती जरूर है, लेकिन वाकई में कितनी शानदार ट्रेनिंग दी सर आपने, दिल में उतर गया। और वाकई में इस ट्रेनिंग से बहुत लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं, लोगों के पैसे के मामले में, उनकी उत्पादकता के मामले में, उनकी क्वालिटी के मामले में। ये आपने शायद मेरे ख्याल से इसका पूरा निचोड़ ये समझ में आया है कि जैसे शरीर के लिए मल्टीविटामिन प्रोटीन जरूरी है, वैसे पौधों के लिए ये मैक्स जरूरी है। ये प्रोटीन मल्टीविटामिन उनके लिए है जिससे उनकी पौधों की सेहत अच्छी बनेगी सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी सर, ये ओवरटूट शरद सर। थैंक यू सर अमित सर, आपका फिर दोबारा हम जरूर आपसे सब कुछ सीखेंगे। और थैंक यू सो मच शरद सर, आज आपने शरद सर को मैं अनम्यूट कर दूं, लगता म्यूट हो गए। शरद सर ने इतना शानदार आज ऑर्गेनाइज किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल योर पैशन, ऑल योर डेडिकेशन टू बिल्ड मोदी का बिजनेस। आई थिंक एक्टिव मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वाकई में, जो हम बात करते हैं मिस्टर समीर मोदी जी के विजन के बारे में कि आजादी हमें देनी है हर इंडियन को, हर तरह से आजादी देनी है, तो हमें ये पहुंचा सकता है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी का। आज अमित त्रिपाठी जी का एक बहुत ही खास दिन है, उसके बावजूद अमित त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में आए ऑलमोस्ट 2 घंटे। आज मुझे मालूम है पूरे मोदी का परिवार की तरफ से डॉक्टर अमित सर आपको जो है आपके वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेडिंग एनिवर्सरी के बावजूद आपने 2 घंटे निकाले, दिस शोज कि हाउ पैशनेट यू आर अबाउट एग्रीकल्चर साइंसेज। सो दिस इज योर पैशन। बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई एम श्योर जो आज आपने टॉक दी है, इससे मोदी केयर, मोदी केरियंस की जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, आपने बहुत कीमती समय दिया और ये कीमती लोगों की जिंदगियां बदलने वाला होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर सर। दोस्तों अगर आप लोगों को इस चैनल पे किसी ने कुछ देख ना पाए हो, रह गया हो, तो हमारे YouTube चैनल पे #NickTalk पे जाइए, वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी आपको और बहुत सारी वीडियोस और मिल जाएंगी आपको। दोस्तों इसे देखिए, जो लोग नहीं देख पाए हैं देखें जरूर, और अपने किसान भाइयों को जरूर भेजिए
क्योंकि किसान अगर हमारे संबल होंगे, किसान अगर हमारे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो हम बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम किसी और लीडर्स के साथ मिलेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर।